श्रीदेव गोपाल भट्टदास रघुनाथ शैव साईं करी चरण वंदन जाहा हरि दीननाथ अभीष्ट पुरं समाधि देवं करुणा निदानं कमाल वर्णं सुंदरावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाधवर कुदात श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परिपति महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया, मतलब है अगर कली युग में हम चार नियमों का पालन करें और थोड़ी सी भगवान का नाम कीर्तन कर ले इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगा। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते। यहाँ पर धर्म का पहला चरण नष्ट हो जाती है। दूसरी नंबर है किसी तरह का कोई नशीली वस्तु हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा चाय तक भी हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए कहते धर्म का दूसरा चरण है तपस्या, इससे तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा धर्म का जो चरण है कहते पवित्रता, कहते पवित्रता के लिए कहते संसार में कहते कली का तीसरा स्थान है स्त्रियों में, बोले कौन सा स्त्रियों में जो अवैध रूप में अपना संसार करो लेकिन शादी करके ही अपना घर गृहस्थी बैठना चाहिए, बगैर शादी के अवैध रूप में जो मिलन है शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है, कभी यहाँ पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा है जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीजों को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर हम केवल ये चार नियमों का पालन करें और थोड़ी सी भगवान का नाम कीर्तन करें, इसलिए कलयुग में सबसे बढ़िया दवा है मीठा दवा प्रभु का नाम। लेकिन नाम तो बड़े मीठा है लेकिन ये परहेज को पालन करते हुए अगर करेंगे तो इसी जीवन में हम ठाकुर तक पहुंच सकते हैं। जब परिषद महाराज कली को ये सारे स्थान दे दिए लेकिन ये कली तभी प्रसन्न नहीं, बोले क्यों, बोले कहाँ था मैं ढूंढता था कौन जुआ खेलता है कौन शराब पी रहा है कौन मांस खा रहा है, हमें ऐसे एक स्थान दे दो जहां पर सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए।
खैर उन्होंने सुवर्ण में पैसा में ये स्थान हो दिया, क्योंकि आप देखना जहां पर जितने ज्यादा पैसा होना ये जितने अवैध काम वही पर शराब वही पिएगा, मांस वही खाएगा, वैश्या गए वही जाएगा, वहीं पर जुआ खेल होगा, इसलिए सारे पाप वहीं पर होता है। लेकिन पैसा तो लक्ष्मी है, फिर लक्ष्मी में ये सारी चीज कैसे आपस में करता है। अब मूल लक्ष्मी से ज्यादा है, इसलिए बोले लक्ष्मी की दो बाहन है। बताओ तो लक्ष्मी का बाहन कौन है? कौन बोलेगा हाथ उठा? लक्ष्मी किसको पर बैठती है? उल्लू को पर बैठती है। लेकिन अगर लक्ष्मी को अकेले बुलाएगा ना वो उल्लू को पर बैठ करके आएगा और हमें वो उल्लू बना देते हैं, हैं? लेकिन ये लक्ष्मी के और ये के वाहन ही श्री गरुड़ है। लेकिन कभी लक्ष्मी गरुड़ को पर में कभी अकेले नहीं बैठती और नारायण के साथ में बैठती। इसका तात्पर्य यह है लक्ष्मी को घर बुला, क्योंकि बगैर लक्ष्मी के कुछ नहीं होता है। लेकिन इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, बोले लक्ष्मी तुम नारायण की हो, हमारी लक्ष्मी नहीं है। अगर लक्ष्मी को हम ठाकुर जी की सेवा के लिए, नारायण की सेवा के लिए अगर लक्ष्मी को बुलाते हैं, फिर वो उल्लू को पर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ को पर बैठ करके आएगी, हमारे घर को वैकुंठ बना देगी। लेकिन अगर उल्लू को ऊपर बैठ करके आएगी तो अकेले बुलाएगी, बोले आओ लक्ष्मी, बोले क्यों? बोले आपका हम भोग करेंगे। बोले मेरे को तू भोग करोगे? तू मेरे को भोग नहीं कर सकते हो, मैं तो नारायण की हूँ। फिर तो वो उल्लू के ऊपर बैठकर आकर के सर्वनाश कर देती। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए उनको बुलानी चाहिए। बोले एक समय श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, इतनी जोर से उनको प्यास लग रही थी जिंदगी में कभी लगी नहीं। एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, वो ऋषि सचमुच से भजनी कर रहे थे। उन्होंने उनको पानी मांगी, लेकिन वो तो भक्ति में बैठे हुए थे। ऐसे ध्यान में पहले पहले ऋषि लोग बैठते थे, उनकी महीना महीना तक उनकी समाधि लग जाती। पानी मांगे, पानी दिया नहीं तो बोले देश का राजा मैं हूं और राजा तुम्हारे घर में आया, पानी मांगे, पानी थोड़ी सी तो पिला नहीं सके। वहां पर मरा हुआ सर्प उन्होंने उसके गले में डाल दिए। अभी उसका बेटा था सिंगी, उसको पता चलते ही उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाले, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। और वो आकर के पिताजी को पास में रोना प्रारंभ कर दी। इतने में पिताजी की नेत्र खुल गए, बोले बेटा क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, हाँ देखो यहाँ प्रश्न करते ही परीक्षित महाराज अभी चिल्ला चिल्ला करके चली गई, ऋषि का नेत्र खुली नहीं, लेकिन बेटा आकर के थोड़ी सी रो लिया तो आधी खुल गई। इसका मतलब क्या है? वो कोई पराया था या अपना बेटा था? बोले नहीं, इसका दो कारण बताए। पहला कारण बताए, अभी ये परीक्षित महाराज के द्वारा ये भागवत प्रकाश होने लगे। अभी श्री जोग माया ने देखा अगर ये ऋषि भजन में बैठते तो महीना महीना तो उनको समाधि लगती थी। अभी राजा को पता ही नहीं चला अभिशाप है, अगर पता चले तभी परीक्षित महाराज सब छोड़ करके आएंगे, श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, फिर तो कथा होगी। अगर इनकी नेत्र ही नहीं खुली तो, इसलिए जोग माया ने इनके आंखों खोल दी, ये कारण है। दूसरा कारण है ये परीक्षित महाराज की कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कल हम श्रवण कर रहे थे जिन्होंने मातृ गर्भ में कृष्ण दर्शन किए और जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, मेरे कन्हैया गए कहाँ, मेरे कान्हा गए कहाँ है, इसलिए इनका नाम परीक्षित नाम पड़ा। ये एक परम संत थे, वैष्णव थे। इसलिए शास्त्र ने बताया अगर आपका घर में कोई साधु आए लेकिन आप उसको आदर मत करो, फिर उसमें क्या होता है? उनके चरण में तुम्हारी अपराध हो जाती है। अगर अपराध हो तो फिर भक्ति से आपको च्युत होना पड़ता है। इसलिए राजा जब लौट करके चले गए, वो जो समाधि में बैठे हुए समाधि टूट गए। क्यों? परीक्षित महाराज एक संत, लेकिन देखने के लिए लगता था जैसे गृहस्थ है, लगता था गृहस्थ। लेकिन कहते भैया संत ऐसे नहीं केवल चूल्हा पहनने पर संत होते हैं। अब भागवत में पढ़ोगे अधिकांश जिनका जीवन चरित्र है ना सब गृहस्थ है।
तथा प्रहलाद गृहस्थ अम्बरीश महाराज गृहस्थ ध्रुव गृहस्थ प्रहलाद गृहस्थ भरत महाराज वो सब गृहस्थ ही थे, गोपियां गृहस्थ सब घर में रहते थे। इसलिए कहते हैं गृही हो त्यागी हो भक्त भेद नहीं, वो गृही हो नहीं तो त्यागी हो, लेकिन वो कितना भगवान की भक्ति करता ही पसो थे। अगर चोला पहन लिया साधु तो भजन भजन से कोई मतलब ही नहीं, वो साधु नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज यद्यपि गृहस्थ है लेकिन कृष्ण भक्त है, कृष्ण वो भक्त थे। इसलिए वो चले गए तो उनकी समाधि टूट गई, बोले बेटा क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे परीक्षित महाराज आए थे पानी नहीं दिया इसलिए अब गले में मरा हुआ सर्प डाल करके बोले फिर मैंने अभिशाप दे दिया। बोले नालायक तेरे को बताएंगे परीक्षित महाराज कौन थी, ये कृष्ण की बहुत बड़े भक्त है। हमारे अहोभाग्य था हमारे घर में श्री परीक्षित महाराज आए हुए थे, उनको पानी तक भी नहीं दिया बल्कि तुमने अभिशाप दे दिए। बोले मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, इनकी जो बात शक्ति है वाणी में जो शक्ति है शक्ति उनकी नष्ट हो जाए। बोले कम से कम श्री परीक्षित महाराज को सूचित कर दो, अगर हमें कोई बोले भैया तो 7 दिन में मरने वाले बताओ हमारी क्या स्थिति है, हम तो आधा ही मर जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज सुनकर दुखी नहीं हुए सुखी हुए, बोले क्यों, बोले मरने से 1 मिनट पहले देखना हमें पता नहीं चलता मरने वाले, लेकिन ठाकुर का देखो विशेष कृपा है 7 दिन पहले मेरे को सूचित कर दी कि तुम मरने वाले हो, कम से कम 7 दिनों में भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, भगवान की कथा सुन सकता हूँ। उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन में बैठाए और उन्होंने गंगा किनारे में आश्रय लिया सुखताल में। ये गंगा किनारे में क्यों आश्रय लिया, बोले गंगा प्रभु की चरणा मिलता है और भगवान की चरणा मिलता तो और चरण में कोई फर्क नहीं, मानो उन्होंने ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। पहले टेलीफोन नहीं होता था, टेलीग्राफ नहीं होती थी, लेकिन ऋषियों के पास में इतने दिव्य उनकी शक्ति होती थी, सारे ऋषियों को पता चला यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करेंगे, वहां पर 88,000 ऋषि लोग आए। इसलिए परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं मेरे ऊपर में ऋषियों का अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में तो ठाकुर का आशीर्वाद है, क्योंकि जीवन में एक साधु दर्शन बड़ा दुर्लभ से होता है। देखो यहाँ पर 88,000 ऋषि, क्योंकि साधुओं का दर्शन से ही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गंगार परस हिले पश्चात बाबा, गंगा की स्पर्श करने से जाकर के हम पवित्र बनते हैं, लेकिन संतों का दर्शन मात्र से ही जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है। बोले संतों दर्शन से अपने आप कल्याण हो जाता है, इसलिए चलते फिरते हुए जो तीर्थ है ना कहते श्री साधु लोग हैं। बोले हमारा तो अहो भाग्य है, तो उन्होंने प्रश्न करते हैं बोले देखो अद्य वा अब्द सतांत वा प्राणी वै मृत्यु नाम बोलो, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, ये जगत में कोई नहीं बोल सकते मेरे को मरना नहीं, आज हो 100 साल के बाद में हो सबको मरना है, लेकिन ये मरने वालों का कर्तव्य क्या है आप कृपा करके बताओ। लेकिन वहां पर जितने ऋषि मुनि थे ना बोले नासो मुनि जस्य मतम न भिन्नम, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका मत ही अलग नहीं। कोई बोला भैया गणेश जी सिद्धिदाता है, गणेश जी की उपासना करो फिर तो सारे दुख बाधा विघ्नों को दूर करते। किसने कहा उसने भैया कहीं कहीं चली गई, अरे नवरात्रि रखो ना बोले तो नवरात्रि 9 दिन का, किसने कहा उसको पिताजी क्या कहीं चले गए मृत्युंजय पाठ करो, बोले भैया 40 दिन का। अभी वहां पर ऋषि लोग आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया अभी क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित महाराज जो सोच रहे हैं का वर्षा जब कृषि सुखाई, अरे मेरे पास में शादी थी, ये लोग तो तर्क वितर्क में लग पड़े, लगता है ये एक अभिशाप तो नहीं, क्यों एक ऋषि का बात सुनो अगर दूसरा का नहीं सुनो, वो बोले का मैं क्या कम हूं। फिर अगर यद्यपि सारे शास्त्रों को अगर हम मंथन करते हैं
वो एक ही चीज उसमें निकलता है, श्रोतव्य कृतित्वस्य स्मर्तव्य इच्छतामः। अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं बोले उनको तीन काम करने चाहिए, बोले भगवान की कथा सुननी चाहिए, ठाकुर को कीर्तन करनी चाहिए, उनकी स्मरण करनी चाहिए। लेकिन भैया मेरे पास में तो थोड़ी सी समय है, फिर उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, बोले हे कृष्ण आप ही मेरे को मातृगर्भ में दर्शन दिया, आप ही मेरे प्राण को रक्षा किया, अभी मेरे अंतिम समय है, मेरी एक ही इच्छा है आपकी कथा सुनते सुनते मेरे साथ मिल जाए, आप इतनी सी व्यवस्था कर दो। जब ठाकुर जी के चरण में शरणागत हुए फिर भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज कभी सुखदेव गोस्वामी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी जमीन पर लौट पोट उठा रहे हैं, बालक लोग तो उनको पर कोई धूल झोंक रहे थे, बोले कोई पागल होगा, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम है वो समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन कृष्ण प्रेम को समझना। लेकिन स्त्रियां तो देख देख कर हैरान हो रही थी, बोले क्यों इतने सुंदर थे सुखदेव गोस्वामी, जैसे कृष्ण जैसे रूप है, अद्भुत सुंदर थे, बोले भैया तो दूसरे काम देव लग रहे थे, लेकिन लगता था पागल जैसे है। लेकिन जब वो ऋषि मुनियों का सभा में प्रवेश की, प्रवेश करते ही सारे ऋषि मुनि उनको स्वागत किया, फिर तो बच्चे लोग समझ गए भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए उन्होंने सीधा उन्होंने सिंहासन में बैठ गए, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जब बैठ गए तब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि सब सिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य जप कर्तव्यं मृगमाणस्य सर्वथा। देखो यहाँ प्रश्न होता है भैया सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे बच्चे, सबसे छोटे थे, नंगे धड़ंगे हैं, लेकिन वहां पर उनको पिताजी की पिताजी की पिताजी भी बैठे हुए थे, लेकिन ये कथा सुने ये छोटे बच्चे से क्यों कथा सुने, इसका क्या रहस्य है? बोले इसका रहस्य बताए, यद्यपि ये सुखदेव गोस्वामी को देखने के लिए लगता है ये छोटे बच्चे, लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं, क्योंकि ये कौन है? बोले प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबकिना एकांत कनकन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। कहते ये कहाँ निवास करते थे? बोले राधा रानी की निकुंज मंदिर में ये निवास करते थे। राधा रानी कभी कभी उनको अपना हाथ में बैठा करके आनारे की दाना खिलाया करती थी और बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो भी कृष्ण कृष्ण बोलता था। और कभी कभी राधा रानी इनको कृष्ण रूप मान कर उनको चुंबन करती थी, इसलिए इनकी थोट में राधा रानी की अधा वृत्त लगी हुई थी, इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए कथा इनसे ही कथा उन्होंने सुने। तो उन्होंने प्रश्न किया अतः पृच्छामि सम सिद्धि, आप कृपा करके ये बताए जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव की इच्छा में और कोई अभिलाषा नहीं रह जाए। लेकिन आप देखना ये दुनिया भले ही कितने पैसा भले ही जो कुछ मिल जाए ये जगत में कोई तृप्त नहीं होते। हम कहते हैं कमाई करो, कमाई मतलब क्या? कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, कमाई कमाई। आप अंबानी को पूछो तुम्हारे पास में इतने पैसा तुमके तृप्त हो गए हो, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे ज्यादा पैसा वसूल कर। इसलिए बोले राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, चतुरानंद कहे सुख इंद्र को भारी, है सुख विष्णु की भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे
हरि भजन बिना सब दुख निकाले। इसलिए जब तक आपके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं आए ना, ठाकुर का प्रेम नहीं आए, भले ही विश्व रावण जैसे व्यक्ति सोने की लंका थी, चैन नहीं थे उसका हृदय में। इसलिए यहाँ पर बताए जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गई और उसी चीज का में बाकी हृदय उसकी तृप्त हो जाए, भर जाएगा। इसलिए जगत में कर्तव्य किया अकर्तव्य किया है, आप कृपा करके हमें ये सारी बात बताए। जब उन्होंने प्रश्न किए तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले बरिया निकसते प्रश्न कृतलो पंडितम निपम आत्मपद पुंसम सर्म। तब बोले देखो तुम लोगों ने जो प्रश्न की है बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जो प्रश्न का आदर बड़े बड़े आत्मा में जो रमण करने वाले व्यक्ति भी इसकी आदर करेंगे, कितने तुमने बढ़िया तुमने प्रश्न की हो। तो उन्होंने पहले अपना गुरु जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोले देखो ये जो मानव शरीर है ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है, लेकिन हम ये जो मानव शरीर को भगवान नाम कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो तन पावा। Thank you.
इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो ये जो मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और विशेष करके भारत में तो जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। अब भारत में नहीं अरे हिंदू घर में जन्म लेना तो और बड़ा दुर्लभ है क्योंकि जितने सनातन ग्रंथ हो जितने भगवत अवतार देखो भगवान कहाँ पर आए भारत में था हिंदू घर में ठाकुर जी आए बड़े भाग्य से किसको ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए ठाकुर जी कहते ये मानव शरीर नहीं ये कोहिनूर हीरे ठाकुर हमें दिए इसलिए ये साधन धाम और मोक्ष के द्वारा यदि ये मानव शरीर नहीं इसी जीवन में ही आप भगवान की भक्ति कर सकते। भैया फट लेने वाले अभी फट मत लिया करना जिस समय कीर्तन होगा तब लेना अब बेटा और बाप चूचा बैठ जाए अब कथा में सबसे ज्यादा लिखना डालते हैं इसलिए जिस समय कीर्तन होगा ना तब फट लेना ठीक है। अब बेटे को भी गोद में लेकर बैठ जा भैया भागवत चुपचाप बैठ जा लेकिन तुमको घर में भेज देंगे हरे कृष्ण। इसलिए बोले ये मानव शरीर नहीं बोले ये साधन धाम मोक्ष के द्वारा बोले यही एक जीवन 84 लाख के जीवन में मिला जिस शरीर में हम भगवान की साधन कर सकते 84 लाख के जीवन में और किसी को बोलो पेड़ पौधा पशु पक्षी किसको बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई बोल सकता है। इसलिए इनकी मुक्ति का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है ये कोई भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरु जी कथा सुना देते ध्यान देकर सुनो कोई एक अंधा था वो अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था जिसमें 84 लाख दरवाजा और जिसमें सारे दरवाजा बंद पड़ा था एक ही दरवाजा उसमें खुला हुआ एक अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था जो खुला हुआ एक दरवाजा में कैसे अंदर में चला गया तो अभी निकलना चाह रहा है लेकिन उसमें 84 लाख दरवाजा और सारे दरवाजा बंद है एक ही दरवाजा इसमें खुला हुआ था अभी हाथ लगाए बंद हाथ लगाए बंद हाथ लगाए बंद कितने दरवाजा है 84 लाख है ऐसे बंद 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 करते करते अभी खुला हुआ दरवाजा पे पहुंचा वो अभी निकल सकता था सोचा सारे दरवाजा तो मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला ये दरवाजा थोड़ी खुला हुआ मिलेगा वो वहीं पर आकर के ना उसने खुजला ना सोचा और खुजला तो खुजला थे जो दरवाजा खुला हुआ था पार हो गया तो फिर वही बंद कर दिया। बोले इसका मतलब क्या है बोले हम भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्मों में हम भटक रहे लेकिन इस सारे दरवाजा बंद है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी जीवन में कोई भगवान के नाम नहीं ले सकते भक्ति नहीं कर सकते वो सारे दरवाजा उनके बंद पड़ा हुआ लेकिन जिस दरवाजा में हाथ लगा है मतलब जिस जन्म में जाए दरवाजा बंद है प्रभु का नाम भक्ति तो कर ही नहीं सकता इसलिए दरवाजा बंद है। ऐसे करते करते 84 लाख जन्मों के बाद में अभी ये खुला हुआ दरवाजा मिला ये खुला हुआ दरवाजा कौन बोले मानव शरीर लेकिन आकर के उसने खुजलाना शुरू कर दिया बोले खुजलाना शुरू मतलब क्या कोई जानवर जीवन में जो जो कर रहा था ना जानवर चार ही काम करते हैं या आहार खाना निद्रा सोना भय डर मैथुन मतलब बच्चों को जन्म देना हम भी मानव शरीर पर आकर के जिंदगी भर यही चार काम कर रहे हैं लिखा पढ़ा सीख जाओ कुछ पैसा कमा लो शादी शुदा कर लो दो चार बच्चे हो गए उनको बड़ा करके कर जाओ जिंदगी में यही तो किया ना जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो हमारे गुरु जी उदाहरण कोई एक जज जा रहा था देखा एक रास्ता में सुअर लेटा हुआ वो बूट पहना था वो बूट से जोर से सुअर को मारा सुअर ने कहा भैया तू मेरे क्यों मार रहे बोले तू सुअर बोले तू बोले दिख नहीं रहा मैं जज हूँ देखो क्या क्वेश्चन करता है। सुअर ने कहा तू मेरे से किसी चीज में बड़ी बोले पूछ ले बोले तेरे कितने बीबी बोले एक बोले जानते हो मेरे कितने बीवी देख ये 15-20 जो सुअरणिया सब मेरे बीवी है कहते एक बीवी। दूसरी प्रश्न है जिंदगी में कितने बच्चे चुमने दिया 2, 4, 10, 20 से ज्यादा नहीं तो जानते हो मैं एक साथ में एक दर्जन से कम नहीं कभी कभी ज्यादा हो जाती है तेरा इसमें तू है बोले बच्चों को बड़ा बनाने के लिए कितना साल तुमने लगाया बोले 20-25 साल लगता है एक बच्चे को लिखा पढ़ा सिखा करके जब तक हम शादी शुदा नहीं दे देते
अगर कोई बच्चा निकम्मा हो गया ना, जिंदगी भर के लिए पिता माता की बोझ बन जाता है बच्चा। तो भैया मेरे को एक महीना में ये बच्चों को 10-10, 15-15 बच्चों को होनहार करके छोड़ देता हूँ, वो अपना घर गृहस्थी करना शुरू कर देते। उसने कहा ये बचाओ, बच्चों को पालना करने के लिए तुम करते हो क्या? बोले पहले माइनर स्कूल गए, फिर हाई स्कूल गए, फिर यूनिवर्सिटी, फिर कोई डिग्री लिया, उसको बाद में बड़े कष्ट से एक नौकरी मिली। मैं नौकरी में कितना घटा करता हूँ? बोले 10-12 घंटा लग ही जाता है, तभी जा करके पैसा कमा करके पेट पालते हो। उसने कहा भैया मैंने कोई माइनर स्कूल नहीं गया, कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घूमता घूमता हूँ, ताजी ताजी चीज मिल जाती खा लेता हूँ, पेट भर लेता। उसने कहा तेरे को रात को नींद आती है? जिसको संसार का ज्यादा बोझ हो जाए ना, बोले तेरे को तैयार करने से रूप में गोली खाने पर भी तेरे को नींद नहीं आती होगी। मेरे को कीचड़ गोबर में नो टेंशन, आराम से सुता रहे, मेरे को नो टेंशन। आपने कभी सुना कोई जानवर को सुसाइड करते हुए सुना? सुसाइड कभी जानवर किसने किया उसने? इंसान ही सुसाइड करता है, इतने डिप्रेशन में आता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भैया अगर ये मानव शरीर पा करके हमने भक्ति नहीं किया, पर ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ करके बताया। भगवान राम कह रहे हैं ये मानव शरीर इसलिए दुर्लभ है, एक ही काम ये मानव शरीर में हो सकता है, क्या? बल भगवान की भक्ति, भगवान की भजन हम कर सकते हैं, और किसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए भागवत कहता है अगर ये जीवन पा करके संसार का सारे कर्तव्य को अच्छे तरह से निभाओ, सारे कर्तव्य को, बच्चों को अमेरिका भेजो, लंदन भेजो, फ्रांस भेजो, अगर एक ही काम नहीं किया ना, अब देखना अंतिम समय पर यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो जगते हैं, सबको बात झूठा है। एक भक्त बड़े सुंदर कथा सुना रहा था, जो बच्चा स्कूल पढ़ता है ना, वो तो भाई क्लास 5 तो तुम पास कर लो बस, कोई चिंता नहीं। जब क्लास 5 पास कर गया ना, बोले अरे ये तो यूं ही हो जाता है, कुछ नहीं, क्लास 10 तो जब तक पास नहीं करोगे तब तो बेकार है। अभी क्लास 10 को जो पार कर लेता है, फिर कहता है 10 पास सभी लोग करते हैं, अभी 12वीं क्लास में अगर बढ़िया तुम लिखा पढ़ा सीख गया ना, उसको बाद में बढ़िया कॉलेज तुमको मिलेगी। 12वीं क्लास सबसे महत्व है, अरे 12वीं क्लास को लिख पढ़ कर किसी तरह से 12वीं क्लास को पार हो, उसको बाद में बोले भैया 12वीं तो कुछ नहीं, अब तो तुमको कोई आपको सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग डॉक्टर कोई कुछ बढ़ना पड़ेगा, अभी तुमको अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। मानो इंजीनियरिंग पढ़ गई, कोई सीए कर गया, फिर कहते भैया जब तक नौकरी नहीं करोगे किस लिए इतना लिखाई पढ़ाई किया, नौकरी के लिए तो किया, जब तक नौकरी नहीं करोगे बेटा। उसको बाद में बोले भैया नौकरी तो सारा दुनिया करते हैं, जब तक शादी क्यों किस लिए इतना कष्ट किया, शादी के लिए ना, जब तक शादी नहीं करोगे सब बेकार है, अभी शादी कर लिया। बोले भैया शादी करने से क्या होगा, जब तक बच्चे नहीं होगे सब बेकार है, बच्चे हो गए, बोले बच्चे को जब तक पालन नहीं करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे सब बेकार है, पढ़ाई लिखाई करा दिया, बोले जब तक बच्चों को शादी नहीं करोगे सब बेकार है। लेकिन करते करते जब ये शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं ना, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते हैं? बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा प्रभु के नाम के सिवाय तुमने जो कुछ किया झूठे में किया, यहाँ से सुई धागा भी नहीं जा रही, जगत में सच्चा हो तो क्या सच्चा है, राम का नाम और कृष्ण का नाम सच्चा, अंतिम समय में उसको यही बोलते बोलते ले जाते हैं। इसलिए भैया जिंदगी रहते रहते हमें भगवान की नाम जप करनी चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। सबके सब हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 जोर कर बोलो बोलो हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। अभी सृष्टि का क्रम को बता रहे हैं, सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुई,
चारी तरफ में पानी पानी देखे। इतने में उनको व्यंजन भरने का दो अक्षर सुनाई पड़ा, सोलमा और एकोसमा, बोले त और उपा, बोले तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या किया, भगवान ने ज्ञानम में परम दुहम जद विज्ञान समन्वितम, भगवान उसको विज्ञान युक्त ज्ञान उनको प्रदान किए। भगवान ने अनुभूति संपन्न कर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कान में उन्होंने ये गोपाल मंत्र उन्होंने प्रदान किया। जिसी गोपाल मंत्र को उन्होंने जप करते हुए ये विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम चतुर्षण को सृष्टि की, बोले तुम संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। चतुर्षण का पिताजी संसार बड़ा दुखमय है, हम तो चाहते हैं प्रभु का भजन करते हुए अपना जीवन को बिता दे, ये माया संसार में पढ़ना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी ललाट से रुद्र देव प्रकट हुए। शंकर जी को भी बोले, शंकर जी बोले पिताजी ये माया के संसार में हमें मत फसाया करो, हम तो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। अभी शंकर जी ने सोचा अगर पिताजी को मना कर दो ना घर तो पिताजी बिगड़ जाएंगे, बोले ऐसे काम करो पिताजी अपने आप मना कर दे। शंकर तो भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि कर रहे हो ना, सृष्टि को ध्वंस कर रहे हो, ये कोई सृष्टि है, बंद कर चुप रहो। बोले भैया अच्छा हो गया। फिर उन्होंने कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने 10 संतान, फिर उसको बाद में फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और शतुरूपा को उन्होंने सृष्टि की। इसलिए ये मनु महाराज ने 5 संतान जन्म दिए, 3 बेटे और 2 बेटे, 3 बेटी और 2 बेटे, आकृति देहों की प्रसूति, उत्थान पात और प्रिय व्रत। धीरे 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 सृष्टि का क्रम ऐसे हुए। लेकिन हमारी साइंस क्या कहता है, हम लोग पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, ये बंदर की पूंछ कटते 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 जब खत्म हो गया फिर हम इंसान बन गए, तब ये डार्विन का थ्योरी है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम इंसान से हुए। अगर बंदर से होते अभी कितने बंदर घूम रहा है, अभी कोई बंदर कोई इंसान बन रहा है, बल्कि उसी समय क्यों ये बंदर इंसान बन गया, अभी एक बंदर एक इंसान क्यों नहीं बन रहा। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले वो बोल कर गया, बोले भैया ये बंदर से कभी इंसान नहीं हो सकता है, बंदर से कभी इंसान नहीं हो सकता है। उसने क्या किया था, एक गरिला एक बंदर का खोपड़ लगा करके बोले देखो कैसे ये बंदर से धीरे 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 कैसे इंसान हो गया। उसने कहा मेरे को सरकार ने बताया था लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, तुम ये प्रूव करके दिखा दो जो बंदर से इंसान हुए फिर लोग नास्तिक बन जाएंगे। लेकिन हमारे जो शास्त्र देखो, हमारे हिंदू शास्त्र भगवत गीता, अब गीता को पढ़ करके देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले ममहि मांस जीव लोके जीव भूत सनातन, कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए हम कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्यां द्रविण तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदत्त। आप बाइबल पढ़ो, क्रिश्चियन का ग्रंथ पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल में लिखा हुआ है। भगवान ने अपना जैसे इंसान बनाया। आप पढ़ो मुसलमान का कुरान को आप पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया, ये बात इनकी कुरान कहता है। इसलिए हर शास्त्र कहता है हमने कहीं बंदर से जन्म नहीं लिए, हम कहां से जन्म हुए, हम भगवान से आए हैं। एक बंदर ले आओ और तुम्हारे चेहरा में मिला, अब मिलोगे भगवान के चेहरा से, बंदर की चेहरा से आप मिलोगे, बंदर का आंख मिलेगी ना, उसको नाक मिलेगी ना मुंह मिलेगी हाथ मिलेगी। देखो भगवान कृष्ण को देखो यहाँ पर खड़े हैं, देखो भगवान नारायण को देखो, भगवान कृष्ण को राम को देखो, उनको साथ में मिलाओ मिलोगे भी नहीं। राम का नाक जैसे हमारे नाक ऐसे, भगवान की दो आंख कितना ठीक हमारी आंख ऐसे, भगवान की 32 दांत हमारे 32 दांत, भगवान की अंगुल जैसे हमारी अंगुल ऐसे। इसलिए अब अपना चेहरा को भगवान से मिलाओ, भगवान से मिलेगा ना बंदर से मिलोगे, बोलो कहाँ से मिलोगे, भगवान से मिलोगे बंदर से नहीं मिलोगे। इसलिए देखना हमारे भारत में सभी की गोत्र है, सभी की क्या गोत्र तुम्हारे
आपका गोत्र क्या है? तुम्हारे गोत्र क्या है? तुम्हारी गोत्र क्या है? कश्यप। ये कहां से आए? ये गोत्र कहां से आ गई? कहते ये ब्रह्मा जी जब जस संतान उन्होंने जन्म दिया है, जिस ऋषि से हम आए हैं वो ऋषि हमारी गोत्र है। इसलिए हमारे भारत में सभी के अलग अलग गोत्र है। क्यों? जिस ऋषि की परंपरा से हम आए हैं उनकी गोत्र हमारी बनी हुई। इसलिए हम कोई गंधर से नहीं हुए हैं। हम कहां से हुए हैं? हम से ठाकुर जी से हुए हैं। इसलिए ये नास्तिक बात है। लेकिन ये थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये हमारे अमेरिका में किसको कोई नहीं पढ़ाते। ये हमारे हिंदू कॉलेज में ही जो सनातन धर्म हमारी है यहाँ पर पढ़ाई होती है। ये थ्योरी पढ़ाई नहीं होती है, अमेरिका में कॉलेज में नहीं पढ़ाते। इसलिए हम लोग भगवान से हुए, इसलिए मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। इसलिए उन्होंने एक मनु संहिता ग्रंथ लिखी, कैसे हमको रहनी चाहिए, कैसे व्यवहार होनी चाहिए, कैसे सबको साथ में मिलनी चाहिए। उन्होंने एक मनु संहिता उन्होंने अलग बनाया हुआ। इसलिए अभी ये सृष्टि की जब क्रम धीरे धीरे बढ़ती है, आप लोगों ने देखो एक तो कथा सुना देता, कुछ कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान भगवान थोड़ी है, भगवान भगवान कुछ नहीं। एक समय आकबर ने बीरबल को दो प्रश्न करता है। उसका पहला प्रश्न था, बोले भगवान है तो कहाँ है? दूसरी प्रश्न थी, अगर भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले देख बीरबल, दो दिन में इसकी आंसर चाहिए, नहीं तो तुमको नौकरी से खारिज कर दूंगा। अभी बीरबल आकर तो दुखी भी हो गया। बोले भगवान ने कहा तो भैया मेरे को क्या पता, अगर है तो क्या कर रहे हैं, मैं क्या जानता हूं। अभी उस घर में आकर उन्होंने चुपचाप हो गए। उसका एक छोटा बच्चा था, बोले पिताजी क्या बात है, अब ऑफिस से आकर उसने गुमसुम कैसे हो गए? बोले बेटा तू ये चीज को नहीं समझ रही, तू जान। बोले पिताजी बता ना सही क्या बात है? बोले आकबर ने मेरे को दो क्वेश्चन किया है, भगवान है तो कहां है, आए है तो क्या कर रहे हैं। बोले भैया मेरे को क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं, अगर ये दो दिन में इसकी आंसर नहीं दे पा पर नौकरी जाएगी। बोले पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने बड़े चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो, दो दिन बाद में जो चलोगे ना मेरे को साथ में ले चलना, इसका आंसर मैं दूंगा। बोले तू दोगे? बोले हाँ, अभी दो दिन बाद में अपना बच्चे को लेकर गया। आकबर ने कहा बीरबल आंसर लेकर के आए हो? बोले महाराज जी ये छोटा बच्चा ही इसका आंसर दे सकता है। बोले बच्चा दे देगा? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा, बोले भैया बताओ तो भगवान है तो कहाँ है? बोले महाराज जी 10 किलो दूध मंगाओ फिर इसका आंसर देता है। उन्होंने 10 किलो दूध मंगाए, मंगाए तो हाँ, बोले बताओ इसमें घी है कि नहीं? बोले घी है। बोले घी दिखाओ। राजा बोले एक थोड़ी घी दिखेगी, पहले उसको गर्म करो, फिर जमाओ, फिर मंथन करो, मक्खन निकलेगा, मक्खन फिर गर्म करो, फिर जाकर घी होगा। बोले महाराज जी आंसर मिल गया कि मिल गया कि नहीं? बोले कैसे? बोले महाराज जी ये दूध में घी है लेकिन उसका जो प्रोसेस बताएंगे, ऐसे ऐसे करोगे तो जाकर के घी निकलेगा। आप कह रहे हो भगवान कहाँ, ये कोई लड्डू थोड़ी है। कहते यद्यपि समाज सु विधि अपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचि। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्याने, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े देवता जी की तपस्या करते हैं और एक बार उनको प्राप्त कर लो ना। वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं? आप लोग सुने हो वाल्मीकि का नाम? वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? जब नारद से उन्होंने मंत्र लिया, वो मंत्र जप करते करते सारा शरीर धीमक चाट गई उसका, लेकिन हड्डी को अंदर में राम श्री राम श्री राम का नाम आ रहा था, इसलिए उनको नाम वाल्मीकि पड़ा गया। बोले महाराज जी जिस भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि इतने कठोर तपस्या करते हैं और जिनको पाने का बाद कृष्ण गीता में कहते हैं माम उपस्तुतु भवतः पुनर्जन्म न विद्यते हे अर्जुन, जब जीव मुझे प्राप्त करता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट से चिरकाल निकल करके परम शांति परम आनंद को प्राप्त करता है, अगर मेरे को कोई प्राप्त करे। आप कह रहे हो भगवान है कहाँ, दिखा वो लड्डू थोड़ी बनाकर डाल दिया। आपको उसके लिए साधन की जरूरत है, भक्ति करने का जरूरत है। महाराज जी ऐसे प्रभु नहीं दिखते हैं,
साधारण दूध में घी के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, अब भगवान कहा लड्डू थोड़ी है। बच्चा राजा तो खुश हो गया। फिर उन्हें दूसरा प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न क्या था, क्या दूसरा प्रश्न क्या था, भगवान है तो क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा बोले बताओ दूसरा प्रश्न बताओ आंसर दो, बोले प्रश्न कौन कर रहा है, बोले मैं, बोले आंसर कौन देगा, बोले तू, बोले महाराज जी जो आंसर प्रश्न करता है वो छात्र होता है, जो उत्तर देता है वो टीचर होता है। और कृष्ण गीता में कहते हैं अगर कोई भगवत संबंधी प्रश्न करना तो तीन प्रोसेस उसका है, तो तीन प्रोसेस है क्या, बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या को माना साधारण वस्तु नहीं। सबसे पहले गुरु जी के चरण में जाकर प्रणाम, शरणागत हो जाओ, फिर उनकी सेवा करो, फिर जाकर के प्रश्न करो, तभी जाकर के ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति होती है। आप प्रश्न आप कर रहे हो, मैं उत्तर दूंगा, जो प्रश्न करता है वो छात्र उत्तर दे, टीचर वो टीचर ऊपर बैठता है, छात्र नीचे बैठता है, लेकिन आप तो सिंहासन में बैठे हुए हो, मैं नीचे खड़ा हूँ, ये सही प्रोसेस नहीं। अगर सुनना तो पहले उत्तर, फिर मेरे को बैठा, फिर हाथ जोड़ कर मेरे को प्रश्न कर। राजा फंस गया, बोली छोटा बच्चा क्या बोलता है, राजा को उतरना पड़ा और उसको सिंहासन में बैठाना पड़ा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, बोले बताओ भगवान क्या कर रहे, बोले यही कर रहे हैं, एक सेकंड में रक्त को राजा बना सकता है, राजा को रक्त बना सकता है, मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है, ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, एक सेकंड में कर सकता है। आप एक सेकंड पहले आप राजा थे, ठाकुर जी आपको नीचे उतार दिया, मैं प्रजा था और मेरे को ठाकुर जी ऊपर में बैठा दिया, ठाकुर जी यही करता है। राजा को बड़ा खुश हो गया, राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बाबा रे क्या उसने आंसर दिया। इसलिए भगवान कहाँ है, हम बस भगवान कहाँ दिखाओ, थोड़ी लड्डू थोड़ी भगवान है। आप लोग ने न्यूटन का नाम सुने हो, न्यूटन का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो, इनको पृथ्वी का सबसे बड़े साइंटिस्ट ये न्यूटन की मानी गई है, ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। लेकिन ये रिसर्च करते करते उसको लगता था भैया दुनिया में कोई एक व्यक्ति है, बगैर किसी व्यक्ति की, जैसे ये मंदिर है वो ऐसे थोड़ी चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, इसको कोई बनाने वाला होगा, जैसे हमारा मोबाइल इंटरनेट चलता है उसका भी सेटेलाइट उसको छोड़े हुए हो, वो ऐसे सारे इंटरनेट मोबाइल ऐसे नहीं चल रही है, ये मंदिर ऐसे नहीं बन गया, ये लाइट ऐसे नहीं चल रही है, यहाँ पर आप ऐसे नहीं बैठ गए हो, इसको पीछे कोई एक है जो इसको ठीक से देखभाल करता है। आप भी संसार में रहते हो, देखना एक छोटी सी संसार है, दो चार व्यक्ति होंगे, पत्नी काम करती है, पति काम करता है, कोई मार्केटिंग करता है, कोई रसोई बनाता है, कोई घर की साफ करती है, देखना छोटी सी घर इसी तरह से चलता है, और विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, उसके पीछे कोई नहीं हो, अपनी और दुनिया चल रहा है। लेकिन उसका कुछ दोस्त थे बड़े नास्तिक थे, वो भी साइंटिस्ट ही ज्यादा होते, भौतिकवादी होते हैं, उसको दोस्त थे, बोले नहीं ये तो प्रकृति से अपनी आप दुनिया बन गया, भगवान भगवान कुछ नहीं। तब उन्होंने एक समय सारे दोस्तों को उन्होंने बुलाया, जो दोस्तों को बुलाया इसलिए सारे दोस्तों को बुलाए, सारे दोस्तों को इसलिए बुलाए कि भगवान दुनिया में है क्या नहीं, केवल इसी विषय पर विचार करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को उन्होंने वहां पर बुलाया था। लेकिन जो बुलाया उसने क्या किया, एक जो सोलर सिस्टम उन्होंने एक बनाया, ये पृथ्वी कैसे चल रही है, ग्रह कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे क्या करता है, उसने बड़ी सुंदर एक सोलर सिस्टम बनाया और एकदम गेट को पास में उसने रख दिया। अभी इसका जितने दोस्त सबके सब साइंटिस्ट के, लेकिन जब वो घुस रहे थे ना, वो सबके सब देख रहे करके आश्चर्य हो गए, और इतने सुंदर परफेक्ट किसने बनाया चीज को, सबके सब आश्चर्य हो रहे थे। इतने में उन लोगों ने न्यूटन को पूछा भैया इसको बनाया किसने, बोले नहीं ये अपने आप बन गया, किसने बनाया नहीं, बोले पागल है क्या, अगर बनाए थोड़ी कोई चीज बनता है, उसको तो जरूर वही बनाया होगा ना। बोले भैया तुम सबको मैं इतनी सी चीज बताना चाह रहा था, ये साधारण एक वस्तु है, बगैर बनाए ये नहीं बन सकती है, और ये पृथ्वी में सूरज भले ही हमें 10 मिनट सोने उठने में देर हो जाए, सूरज देर करती है, चंद्रमा अस्त होने के लिए देर करती है, वायु कभी बंद होती है, सारे सीजन एक बाद में एक आती रहती है,
अगर इसको पीछे कोई नहीं हो कि दुनिया अपने आप बन रहा है, इसलिए भगवान ये बात को भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले मत भयात बाकी बात स्वयं सूर्य तपति मत भयात बरसत इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरत मत भयात। भगवान खुद कहते हैं हे अर्जुन ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरे आज्ञा पर सत्य से काम कर रहे हैं, वायु टाइम पर बहती है, अग्नि टाइम पर गाय का शक्ति देती है, बारिश मेरे आज्ञा पर बरसती है। इसलिए हम कहते हैं ना ठाकुर के इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। ये बात एकदम सही है, हमारे पूर्वज लोग जो जो बात बोल कर गए ना ये एकदम सही बात। लेकिन अभी क्या हुआ थोड़ी मतलब कोई थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं भौतिक बातें पढ़ कर बोले भगवान भगवान कुछ नहीं। न्यूटन को पूछा गया भाई तू जीवन में क्या अनुभूति की, और न्यूटन पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो कहता है, वो स्वयं कहता है जैसे समुद्र किनारा में अनंत जैसे पत्थर पड़ा हुआ मैं तो दो एक पत्थर को मैंने उठाया। बोले साइंस इतना साइंस है जिसका मैंने एक दो पत्थर केवल मैंने एक कटेगा ये न्यूटन कहता है। और अभी का जो साइंटिस्ट थोड़े बहुत रिसर्च करके अरे भगवान भगवान कुछ नहीं सब बेहतर लोग हैं। इसलिए श्री मनु महाराज से ये सृष्टि हुई है दुनिया आई है इसलिए हमको मानव कहलाते हैं, हमको मानव कहलाते हैं। यहाँ पर माता देहू की कथा दी है, बल्कि कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की भगवान उनको दर्शन दिए, बोले बेटा वर्मा को बोले प्रभु आपकी चरण में हमें भक्ति दो, बोले ठीक है बोले और कुछ चाहिए, बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं संसार करने की लेकिन आपकी आदेश है ये संसार का क्रम धीरे धीरे बढ़े, आपका आदेश समय तो संसार करूंगा लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ, बोले पहला शर्त है आप अगर मेरे बेटे बन करके आओ तो मेरे में संसार करूंगा, बोले ठीक है बेटे बनूंगा। बोले दूसरा शर्त, बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, संतान हो जाए घर में अपना भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं अभी दोनों की शादी हो गई तो फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठी गए। अरे माता देवती पति की सेवा करते 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 पति देव खाना नहीं खा रहे ये कैसे खाना खाएगी, पति देव स्नान नहीं करते हैं श्रृंगार ये कैसे करेगी। अभी पति की सेवा करते 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 पति जब आग हुई ना देखा तो कोई सामने एक कोई टोकरी बैठी हुई कोई बुढ़िया बैठी हुई, बोले भैया तू है कौन, बोले आपने कभी शादी किया याद है, हो तो वही देवती वो इतने सुंदर थी स्वर्ग का देवता जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते थे इतने ये सुंदर थी लेकिन पति की सेवा करते करते उसने एकदम वृद्ध हो गई। देखो पति सेवा के कितने महत्व है, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया था, आपने बोला था ना आप अगर बेटे बैठे करके आओगे शादी करो तो बोले हाँ इतने में बोले जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो, स्नान करके जब उठी पहले जितने सुंदरी था ना उससे भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई, हजार दास दासियां प्रकट हुई और उन्होंने एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम कामक विमान। देखो अभी साइंस ने जितना एडवांस किया है पहले अब साइंस ही पढ़ो ना पहले का इससे बहुत एडवांस था। ये विमान का नाम था कामक, कामक मतलब क्या कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, वो जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा और जिसमें बैठने पर कहते हैं कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगी, ठंडा गर्म नहीं लगेगी और जिसमें बैठ तो भूख नहीं लगेगी, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर राजमहल है, हर तरह का फल फूल से भरा पड़ा हुआ, राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, चार तरह का कमल फूल खिला हुआ, कितने योजन तक वो विमान थी, कितने बड़ी उन्होंने विमान को सृष्टि की और बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण किया, बड़ी सुंदर सुंदर नाथ और उनकी बेटी थी। बोले देवती अभी तो खुश हो गए ना बेटी हो गई, बोले नहीं ये बेटियां शादी होकर के अपना ससुर घर चली जाएगी अभी मेरे पास में कौन रहेगा, भगवान बोले ना बेटे बैठ करके आएंगे। फिर जब उन्होंने सेवा की ठाकुर स्वयं उनकी बेटा बन करके कपिल रूप में आए, बोले श्री कपिल भगवान घर में अभी नाना बेटी है
अगर घर में बेटी हो, पिता माता का पहला कर्तव्य बेटियों को मिले शादी दिया। अब लोग बेटियों को शादी देते हुए ना, अब देखना एक बेटी को शादी दो ना घर खाली हो जाती है। लेकिन इनके घर में कितना बेटियां है, 9-9 बेटियां, फिर कितना कष्ट होगा 9-9 बेटियों की शादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई प्रभु की भक्ति करना चाहे, भजन करने के लिए चाहे ना, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर कोई भक्ति करने की इच्छा करे, एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटे को लेकर के कर्तव्य ऋषि के पास में आए। अभी इनके पास में 9 बेटे और इनके पास में 9 बेटी, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले भैया प्यारी तो बड़े, 9 बेटे 9 बेटी, इसलिए बोले शुभम शीघ्र शुभ कार्य को जल्दी कर दो। फिर एक साथ में उन्होंने 9 बेटियों को शादी करा दिया। अभी घर खाली हो गया, घर अभी इनकी खाली हो गई। घर अभी घर में 3 व्यक्ति रह गए। अभी उन्होंने ठाकुर जी को बोले थे, तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं होगा। तब उन्होंने अभी भजन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ देखो एक चीज को समझो अच्छे तरह से। बोले भैया तुम भगवान को भजन करने के लिए जा रहे हो घर से, लेकिन तेरे घर में तो ठाकुर बैठे हैं। भगवान कर्तव्य ऋषि बन करके आए, कपिल मुनि करके बन करके आए ना। बोले भगवान तो तेरे घर में, फिर भगवान को करे बाहर क्यों ढूंढने जा रहे हो। हाँ ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, बहुत अच्छी बात है। जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। साधन से हृदय में प्रेम प्रकट होता है। अब प्रेम जब तक हृदय में नहीं हो तब तक भगवत दर्शन होने पर भी कोई लाभ नहीं। जैसे आप बताओ, रावण ने राम को देखा था कि नहीं? बोलो, रावण ने राम को देखा था कि नहीं? देखा था। मेघनाद ने राम को देखे थे कि नहीं? देखा था। लेकिन उसने क्या किया, माँ सीता को उठा कर ले गया। मेघनाद ने राम लक्ष्मण के ऊपर में शक्तिशैल, लक्ष्मण के ऊपर शक्तिशैल प्रहार की और उन्होंने राम लक्ष्मण को नाग फाक बंधन में बांध डाला। भैया जिस भगवान को दर्शन होने से जीव की भव बंधन नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान को उन्होंने नाग फाक बंधन में बांध दिए। कंस ने कृष्ण को देखा था कि नहीं? देखा था ना, कृष्ण को साथ में लड़ाई किया उसने। शिशुपाल दंत पकड़ कृष्ण सामने खड़े हुए, 101 गाली ठाकुर को निकला, 101 गाली निकाला। अगर आप 10-20 गाली दो ना, गाली पास में होगी नहीं, लेकिन 101 गाली ठाकुर जी खड़े हैं गाली के ऊपर गाली। अब ये चीज को अच्छी तरह समझो, अगर तुम्हारी हृदय में भक्ति नहीं हो, अगर ठाकुर जी तुम्हारी सामने आ गए, हमारे कोई भी लाभ होने वाला नहीं, कोई लाभ हमारे होने वाले नहीं। इसलिए घर में ठाकुर है लेकिन वो जा रहे हैं भजन करने के लिए। क्यों? बोले जब तक भक्ति नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे, तब तक प्रभु तुम्हें मिलने वाले नहीं, और मिल भी गए तुम्हारे लाभ होने वाले नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज जब भगवान की तपस्या की, भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए आए ठाकुर जी, ध्रुव जी भगवान के पास नहीं गया, वो ध्रुव ने केवल तपस्या की, ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आए। गोपियां कभी कृष्ण के पास में नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों के घर में आकर के दर्शन देते थे। अगर हृदय में तुम्हारी प्रेम प्रकट होगा तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे घर में आएंगे। लेकिन हमें साधन की जरूरत है, साधन की जरूरत है। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और मात मात कर श्री राम राम
इसलिए सब लोग ताली बजा कर नाचते भाई वृंदावन जाए। अरे मेरे मुठे बिडर की Thank you.
अगर सत्संग करोगे तो पाप वर्ग समाप्त हो जाएगा।
बोले भैया प पर किया, बोले प फ ब भ और म, ये प पर का। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे ना, कचड़ था प, खचड़ था प, गजड़ था प, उसमें प वर्ग में प फ ब भ म आता है। बोले प मतलब बल परिश्रम, बोले फ मतलब बल फेंक, बोले ब मतलब व्यर्थता, माँ मतलब मृत्यु, भ मतलब भय। अगर तुम सत्संग करोगे माँ ये पांच चीज तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। बोले पहला नंबर प, बोले प मतलब होता है परिश्रम, संसार में हम कितने कठोर परिश्रम करते हैं। फ मतलब फेंक, कभी कभी इतने परिश्रम करते मुंह से झांक निकलाती। ब मतलब व्यर्थता, बेकार। लेकिन जब संतों का संग करोगे माँ, फिर तो जो कुछ करोगे ठाकुर जी के लिए करोगे, भगवान के लिए करोगे, फिर दुनिया के लिए नहीं करोगे। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा किसके लिए कमाए, ठाकुर जी के लिए कमाओ। रसोई बनाओ, इसके लिए, बोले ठाकुर जी के लिए। घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ लगा रहे हो, ठाकुर के दरबार में लगा रहे हैं। इसलिए जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए करो। सत्संग में ये ज्ञान मिलती है माँ, इसलिए माँ मतलब मृत्यु। अगर माँ अगर सत्संग करोगे ना, फिर मरोगे नहीं। जैसे ध्रुव महाराज ने गए लेकिन अभी भी उनका नाम, हनुमान जी गए लेकिन अभी भी उनका नाम जगत में अमर है। बोले क्या साधु लोग मरते नहीं? देखो एक बढ़िया उदाहरण दिया है। आप लोगों ने बिल्ली देखे हो? बिल्ली कौन कौन देखे हो? बिल्ली सब लोगों ने बिल्ली देखो। आप बिल्ली को देखना, जब वो बच्चा जन्म देता है मुंह में पकड़ करके यहाँ से हुआ वहां से हुआ, दिन में 10 बार करेगा। लेकिन बिल्ली को जब अपना माँ पकड़ती मुंह में, बिल्ली बड़ा खुश होती है, मैया मेरे को पकड़ी, जैसे मैया की गोद में बच्चे हैं, बड़े खुश होता है। लेकिन उसी मुंह में जब चूहा पकड़ती है, फिर तो चूहा को पता चलता है भैया बिल्ली के मुंह में कितना ताकत है। एक मुंह में अपना बच्चे को भी पकड़ती है और उसी मुंह में चूहे को भी पकड़ती है, और एक का प्राण ले लेती है और एक बड़ी खुश होती है। इसका मतलब है एक ही काल एक ही है, लेकिन जब संतों को ग्रहण करता है उसको आदर पूर्वक वैकुंठ ले जाता है। लेकिन जब साधारण व्यक्ति को ग्रहण करता है, रात दुख कष्ट भोग करके घोर नरक में जाना पड़ता है उसको। इसलिए बोले माँ अगर सत्संग करोगे ना, तुम्हारी ये सारे वस्तु खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने संतों का लक्षण पूछे, बोले बेटा तुमने बता दिया सत्संग करो, लेकिन संतों का कुछ लक्षण तो बताओ। तो भगवान ने बोले, बोले माँ संतों का 26 लक्षण है। बोले तिथिक सबकारोहित सुहृद सर्वदेही नाम अजात सत्र वसंता साधु भी साधु भूषण। इनका पहला लक्षण है तिथिक सब। तिथिक सब मतलब सह। देखो सबसे पहले घर साधु हो, नहीं तो साधारण व्यक्ति हो, सबकी अंदर में सहन शक्ति होनी चाहिए। इसलिए बोले जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सह जाए। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता, हमारे बड़ी गुरु जी सुनाते हैं। बोले एक समय कोई एक ब्रह्मचारी घर मंदिर में संत बनने के लिए आया। बनने के लिए आया तो एक दिन गुरु जी थोड़ी सी डांट दिए तो उसको बड़ा क्रोध आया। बोले दिन भर इतना मैं सेवा करता हूँ और गुरु जी हमें डांट लगा दी, मैं घर में मंदिर में नहीं अभी तक तो जा रहा हूँ घर में। लेकिन उसका नित्य नियम था कलसी में जमुना से पानी ठाकुर जी के लिए लाया करता था, उसी से ठाकुर के स्नान होता था। सोचा आज जब मैं कलसी में पानी भरने के लिए जाऊंगा जमुना में, वहीं पर कलसी रखकर घर में वापस चला जाऊंगा। जब उसने कलसी को रख करके जा रहा था ना, वो कलसी बोले कहाँ जा रहे हो इधर, वो कलसी उसको बुलाया, बोले इधर आओ। बोले कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले गुरु जी हमको देखा डांट लगाया सबको साथ में और दिन भर में सेवा करता हूँ, मेरे गुरु जी मैं तो घर से जा रहा हूँ। बोले देख बेटा मेरी बात सुन, मेरी अपना कथा सुन ले, आज मैं कैसे ठाकुर जी को सेवा में लग रहा हूँ। पहले मैं वहां का मिट्टी था जहां पर लोग पैसा काटी करते, कुम्हार ने वहीं से मिट्टी को लाए और मेरे को धूप में दिया और उतना कष्ट दिया, उसको बाद में छोड़ा नहीं, पीट पीट करके मेरे को पाउडर बनाया, फिर छोड़ा नहीं, फिर पानी देकर प्यार में रोता उसको अच्छे तरह से, तब भी नहीं छोड़ा। फिर चक्की के ऊपर में बैठा करके हमें, अब देखना जब कल से बनता है ना, चक्की के ऊपर चढ़ा देता है, फिर अंदर में हाथ रख कर डंडे से मारता रहता है, फिर बनाया कलसन तभी नहीं छोड़ा। फिर धूप में 8-10 दिन तक इतने धूप में मेरे को रख दिया जैसे प्राण जाए तब भी नहीं छोड़ा। फिर क्या किया, आग की भाटी बनाई। अब देखे होंगे कुम्हार कैसे कैसे उसको लाल रंग कैसे होता है, चारों तरफ मिट्टी से पोत देती है
अंदर से कोयला और लकड़ी को देकर के वो धीरे धीरे चलते चलते 8-10 दिन में जाकर के वो लाल बनता है। मेरे को नहीं छोड़ा, फिर वहां पे इतने आग जलाया, इतना कष्ट दिया, तभी नहीं छोड़ा। फिर मेरे को मार्केट में ले गया बेचने के लिए। आप देखे होंगे कभी मिट्टी का कलश खरीदी किए होंगे, देखना क्या डंडा रहता है, जो आता है उसको इसे पकड़ता है, डंडा मारता है। क्यों? वो फटा होगा तो ठंड ठंड ठंडा आवाज होगा, वो डंडे मारने पर पता चलता है इसमें सही ना कि फटा हुआ, जो आए कहां में पकड़े उठाए और डंडा पाए। बोले किसी भाग्य से तुम्हारी कभी भी आए आकर वो भी मेरे कान को पकड़ करके उठाए, तभी हमें डंडा मारे, डंडा मार कर देखा सही है। फिर तुम्हारी गुरु जी मेरे को घर में लाए और ला करके फिर अभी क्या हो रही है, अभी उसी कलसी में उसी में तुम मेरे को रोज पानी ले जाते हो और ले करके क्या करते हो, उसी पानी से ठाकुर की सेवा हो रही है। और देखना जो सेवा करता है ना, अगुर कर्पूर चंदन ठाकुर को लगाता है, उसी हाथ को लगाता है कलसी में, देख मेरे अंदर में कितने सुगंधियां आ रही है, कर्पूर अगुर चंदन की सुगंधी आ रही है ना, ठाकुर को सेवा कर रहा हूँ, इतने कष्ट सहन किया तभी ठाकुर को सेवा में लग रहा हूँ, और तेरे को गुरु जी थोड़ी डांट दी और छोड़कर घर जा रहे। भैया जो सहे सो रहे, जो नाश आए वो नाश आए, घर में हो संत जीवन में हो, अगर थोड़ी थोड़ी बात में मचल जाओगे क्रोध आएगा तो वही भी जलते बुझते रहोगे। इसलिए भक्ति करने के लिए कहते संतों का पहला लक्षण सहन शक्ति है। इसलिए तितिक सब कारुणिक, कारुणिक मतलब बड़े दयालु होते हैं, सुहृद सर्वदैना मतलब वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा के जितने जीवों को वो मानता है हम एक ही परिवार है, हमारे एक ही पिता ठाकुर जी हमारे पिता, हम एक पिता की ही हम संतान हैं। इसलिए उनकी 26 लक्षण बताए। हाँ देखो एक उनका विशेष लक्षण कह रहे हैं, बोले मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्वन्ति च क्रीड़ा। हाँ ध्यान दे सुनो, ये ठाकुर जी कहते हैं हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए, बहुनिष्ठ से भक्ति नहीं होती, मन एक है। जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाला एक कृष्ण भक्ति। गोपियों को जब उद्धव जी ज्ञान की बात बताए, बोले योग समाधि लगाओ, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। मन थोड़ी दस बीस होता है, मन तो एक ही होता है, लेकिन ये एक मन तो कृष्ण को साथ में गया हुआ है, पर ध्यान तो मन से करेंगे ना, लेकिन मन तो एक है, मन तो एक को दे सकते हो ना, लेकिन हमारी भक्ति कैसे देखो, अगर सोमवार होगा ना शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, बम बम भोले भोले कर खूब पानी चढ़ाएंगे, बोले शंकर जी तन मन धन कर चले, तू मेरी लाज बचा, तू ही जीवन का सर्वस्व। लेकिन जब मंगलवार होगा ना शंकर का तरफ में देखेंगे, सीधा हनुमान जी के पास में जाएंगे, जो बात शंकर जी को कह रहे थे हनुमान जी को वही बात नहीं, शंकर जी बोले कि बड़ा दुष्ट है, ये तो कल मेरे पास में आकर के बोल रहा था तन मन धन तेरे चरण में, तू ही सब कुछ आ तो मेरे तरफ दिखाई नहीं, वो तो हनुमान जी को वही बात करता है। बुधवार आएगा अपने गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, जो बात हनुमान जी को कहा था वही वही करे, बोले भैया मन तो तुम्हारी एक है ना, फिर मन को फिर कितने को ये मन को दोगे, ये मन तुम कितने को दे सकते हो, एक को दे सकते है ना। हाँ इसलिए मन को सबको नहीं देनी चाहिए, मन हमें एक को देनी चाहिए, ऐसे एक व्यक्ति को दो जिनको देने पर विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाए। जैसे ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाएगा, दो उदाहरण, जैसे कि वृक्ष है, जैसे वृक्ष का जड़ में पानी दो ना, आपको उसका पत्ते टहनिया में कहीं पानी देने का जरूरत नहीं होगी, आप जड़ में दो पूरा पानी पेड़ में भर चल जाएगा। अगर कोई जड़ में पानी नहीं देगा उसको टहनिया में शाखा में पत्ते में फूल में तीन बार पानी देते रहो, बताओ वो जिंदा रहेगा कि नहीं, बताओ उसको तीन बार उसको पेड़ को धोते रहो जिंदा रहेगा क्या, नहीं। दूसरा उदाहरण दिया जैसे रोटी सब्जी हम कहां देते हैं, मुंह में देते हैं, पेट में चले जाए वो सारी इंद्रिया काम करेगा, कोई बोलेगा क्यों कान में सुनते है ना थोड़ा रोटी दे दो, बोल आंखों में देखते थोड़ा दाल खा दो, कोई करते हैं नहीं करते हैं, मुंह में आहार देने से पूरा शरीर अपने सारे काम करता है। तो उसी तरह
तब जब भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया। अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको तुम माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र कहते हो गणेश कहते हो हनुमान, देख मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, सारा दुनिया मेरे में, हे अर्जुन मेरे से कोई परतत्व नहीं है। जब हम कृष्ण को प्रणाम कर दिया, 33 करोड़ देवता के प्रणाम अपने आप हो गया, नहीं तो अगर दिन में समझो 1 करोड़ देवता को पूजा करो, लेकिन हमारे देश में तो 33 करोड़ देवता, दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करो तब 30 दिन में 30 करोड़ हो गया, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया कि नहीं, फिर कितने को खुश करोगे? हाँ, लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता है जिसको एक को प्रसन्न करो सब खुश हो जाते हैं। फिर आप बोलोगे भाई शंकर जी फिर कहाँ जाएंगे, हनुमान जी कहाँ जाएंगे, फिर माता जी कहाँ जाएंगे? देखो किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करो। शंकर जी को जब प्रणाम करो तो शंकर जी कौन है, वैष्णव नाम यथा सब हो, शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भगत है, उनसे भक्ति मांगो। माता जी कौन, वैष्णवी, इनसे प्रभु की भक्ति मांगो। हनुमान जी को राम के सबसे प्यारे भगत है, इसलिए हनुमान जी हमें भक्ति प्रदान करो। गणेश जी को नहीं, सारे ग्रंथों को लिखने वाले व्यास देव बोले उनने सारे ग्रंथों को लिखे, ये जितने 33 करोड़ देवता है ठाकुर जी उनको सबको एक तो पोस्ट दिया, सबको एक तो पोस्ट दिया, इसलिए ये सबके सब हमें भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं, इनसे भगवान की भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, इनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है। आप लोग नरसिंह भगत का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो, ये शंकर जी के एकनिष्ठ भक्त थे। एक दिन शंकर जी कृपा करके दर्शन दिया, बोले बेटा तेरे ऊपर मैं प्रसन्न होकर वर मांगा। नरसिंह भगत ने कहा प्रभु आप तो मेरे पिता हो, मैं आपका बच्चा हूँ, हमें तो पता नहीं मेरे अच्छे किसी में बुरा किसी में पता नहीं, इसलिए अगर देना चाहते हो आपका जो सबसे प्रिय जीव हमें दिया करो। बोले बेटा मेरे प्रिय तो वाक्य भी है, ये प्रिय मेरे भाग्य बिहारी है, आज से मैं तेरे को तेरे भाग्य बिहारी की भक्ति देता हूँ। ये शंकर जी की कृपा से ही नरसिंह भगत इतने बड़े बने, जिसकी बेटी की शादी में ठाकुर जी भात भरने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी शादी दिलाने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। एक चंडीदास हुए है, ये माता के कनिष्ठ भक्त था, इसका नाम था चंडीदास। इन्होंने सोचा रोज मैं माता देवी के चरण में 108 कमल फूल चढ़ाऊंगा, एक महीना उनने 29 दिन तक चढ़ाए, लेकिन 30 दिन में उसको एक कमल फूल मिला नहीं, मुझे लगता है मेरे वृद्धि खंडित हो जाएगा। लेकिन सवेरे जब स्नान करने के लिए गया, देखा नदी में एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ, बोले भैया भैया तो बड़ी कृपा है। लेकिन जब उन्होंने व्रत समाप्त कर दी, जब लास्ट फूल चढ़ाने के लिए गए, माँ स्वयं प्रकट हो गई, वो फल फूल को उन्होंने चरण में नहीं लिया, वो फूल को लेकर उन्होंने सर पर रखे। लेकिन ये चंडीदास तो माता जी कनिष्ठ भक्त है, बोले माता जी आप तो मेरे माँ में आपका बेटा हूँ, बेटा का उपहार माता चरण में लेती है, सर नहीं, आप इसको अपना सर पर क्यों रखा? मैया ने कहा बेटा ये बताओ ये फूल तेरे को मिला कहाँ से? बोले ये फूल मेरे को मिल नहीं रहा था, मैं तो सवेरे जब नदी में स्नान करने के लिए गया ये फूल मेरे को मिला है। बोले बेटा नदी में कहीं फूल मिलता है? फूल मिलता है सरोवर में, ये नदी में कैसे मिली? तो मात ने कहा देखो कोई कृष्ण भक्त ये फूल ठाकुर जी के चरण में दिया था, जैसे उसको लेकर के नदी में बहा देते हैं, उसने नदी में बहाया, मेरी इच्छा से वो फूल बहते बहते तेरे पास में आया, ये मेरे प्रभु का प्रसाद ही है बेटा, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, मेरे प्रभु का जो प्रसाद देता है तेरे घर में प्रसन्न, बेटा बर मांगो मेरे से, जो मांगोगे सो दूंगा। बोले माता जी मेरे को जगत का धन दौलत पुत्र परिवार नहीं चाहिए, क्यों? ये नश्वर है, हमें तो भगवान की भक्ति प्रदान करो, ठाकुर जी के प्रेम और मोक्ष प्रदान करो, मोक्ष प्रदान करो। अरे माँ ने कहा देख बेटा मुक्ति तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद, मुकुंद मतलब जो मुक्ति को दे सकते, जा मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, मेरी आशीर्वाद से तू बहुत बड़े कृष्ण भक्त बनोगे। और इतने बड़े कृष्ण भक्त बना, ऐसे राधा कृष्ण की प्रेम को ऊपर लिखा, रोज जो भजन को हम गाते हैं, जिस भजन को श्री चैतन्य महाप्रभु
और हमारे बंगाल और उड़ीसा में उनका पुस्तक इतने राधा रानी की हाई हाई प्रेम वर्णना की अभी वो कॉलेज में हमारे देश में पढ़ाई होती है। इसलिए इन सब देवताओं की कृपा से हमें ठाकुर जी के चरण में भक्ति मिलती है। इसलिए इनके चरण में भक्ति मांगनी चाहिए, इनकी कृपा से जीवों को प्रेम प्रदान करते हैं ठाकुर जी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हृदय में केवल कन्हैया को बैठाना है, हृदय में और किसको नहीं बैठानी। हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा कोई। इसलिए उन्होंने मैया को बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देकर के फिर भगवान वहां से चले जाते हैं। कहाँ चले गए? बोले गंगा सागर। अभी मकर संक्रांति गई ना, इसलिए साल में एक बार केवल ठाकुर जी को ही दर्शन मिलता है। देखना पानी अपने आप नीचे उतर जाती है, वो मंदिर अपने आप निकलती। साल में एक बार श्री कपिल भगवान का दर्शन मिलता है। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज की कथा थी। उत्थान बाद के दो पत्नी हैं, कहते हैं सुरुचि और एक सुनुचि। हम सभी का भी दो पत्नी है। सुरुचि मतलब अपना रुचि, मनमानी रुचि। सुनीति मतलब जो प्रभु जिसमें प्रसन्न हो। सु मतलब अच्छी, नीति मतलब जिसमें अच्छी नीति है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। घर में पहले सुनीति थी, पहला राजा उनके बेटा था ध्रुव। अगर जीवन में सुनीति को अगर हम अपनाएंगे फिर जीवन में फल क्या हुआ? ध्रुव। ध्रुव मतलब नित्य सत्य शाश्वत है। अगर जीवन में स्वरुचि को अपनाएंगे, मनमानी ढंग से चलोगे फिर तो भैया उत्तम होगा। लेकिन उत्तम मतलब क्या है? जिससे जिसमें है जिसमें अच्छी चीज निकल गई। लास्ट में सुनेंगे कैसे उनको मार डाले, गंधर्व के से मार डाला। और जो सुरुचि थी कैसे उसने अग्नि में अपना शरीर को अग्नि में जल करके कैसे खत्म हो गई। अभी जब द्वितीय पत्नी घर में सुरुचि आई, बोले महाराज तभी घर में रहूंगी, पहले सुनीत को निकाला पड़ेगा, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। क्योंकि पहले जो पत्नी थी ना सुनुति, पहले थी चंद्रमुखी, अभी पुरानी हो गई ना, उसके बाद हो जाती है सूर्यमुखी, फिर बाद में ज्वालामुखी। अभी घर में अभी नई बहू आई ना, घर में नई आई है, इसलिए सुरुचि आई। अभी अभी कैसे लग रही है? अभी चंद्रमुखी लग रही है। बोले भैया मैं तभी रहूंगी, पहले सुरुचि सुनीति को निकालो। मतलब क्या है? कहते घर में कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं, अगर भक्ति करने वाले कोई हो, गले में कंठी माला तिलक भजन करने वाले हो, बोले ये सब क्या है? ये सब कंठी माला तिलक क्या? खबरदारी सर, हमारे घर में कंठी माला तिलक नहीं चलेगी, हमारे घर में भक्ति भक्ति नहीं चलेगी। मैं सुरुचि हूँ, अपना मनमानी ढंग में मैं चलने वाली हूँ, भगवान की भक्ति भक्ति नहीं चलेगी। उसको निकाल घर से भैया, अभी नई नई है ना, अभी चंद्रमुखी लग रही है। इसलिए उन्होंने घर से उनको निकाल दिया। एक दिन छोटा बेटा बैठा हुआ था, अभी ध्रुव बैठना चाहते हैं गोद में, लेकिन सुरुचि ने बड़ी बुरी तरह से गाली बोली। बोले खबरदार, अगर पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो पहले भजन करो, ये शरीर को त्याग दो, फिर मेरे कोख से जन्म लोगे ना, फिर बैठ सकते हो। लेकिन वो तो क्षत्रिय का बच्चा रो रो करके माँ के पास में गया। लेकिन माँ कौन है? सो नी थी। बच्चे को जो अच्छी मार्ग दिखाती है, बच्चे को बुरे मार्ग पर नहीं चलाती है। बोले बेटा उसने जो बताया सही बताया, क्योंकि भाग्य में होगा तभी तो राज सिंहासन में बैठोगे ना, भाग्य में नहीं तो कैसे होगा। लेकिन उसने एक अच्छी बात भी तुमको बताई, बोले भगवान की भजन करो, ये बात अच्छी बताई। बोले बच्चा पिता कब तक रहेंगे, दुनिया कब तक रहेगा, एक दिन नष्ट होने वाले। ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो, जिसकी गोद में बैठोगे ना कभी उतरोगे नहीं। बोले मैया वो कौन है? बोले पद्म पलाश लोचन श्री हरि। बोले माँ कहाँ मिलेंगे? बोले उसको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। उन्होंने माँ की आशीर्वाद को लेकर के प्रणाम करते हुए उन्होंने भजन के लिए गए। देखो यहाँ से क्या मिले, नियम है अगर गुरुजन को चरण छुआ, पिता माता की चरण स्पर्श करनी चाहिए। स्पर्श करोगे ना उनकी आशीर्वाद से हम फलते बोलते हुए
पिता माता का आशीर्वाद बहुत बड़ी है, इसलिए किसी ने हमारे गुरु जी को आकर के बोले, बोले गुरु जी आप ध्यान देकर सुना, बोले गुरु जी बेटा मेरा बात नहीं सुनता है। हमारे बड़े गुरु जी ने बोले, बोले बेटा तू रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही गुरुगति मिलेगी। अगर तू रामायण पढ़ाते, रामायण में लिखा हुआ प्रात उठ रघुनाथा मात पीत गुरु नमहि माता, भगवान सवेरे उठ करके पहले क्या करते थे, पिता माता की पहले चरण छूते थे, गुरुजन का चरण छूते थे। अगर रामायण पढ़ाते तभी तो बच्चे को ऊपर संस्कार आता, रामायण तो पढ़ाया नहीं, स्मार्टफोन पकड़ा दिया बेटे को, 10-20 हजार रुपया की स्मार्टफोन जिसमें जीवन बर्बाद हो जाए, स्मार्टफोन तुमने पकड़वाया, लेकिन बेटे को ये नहीं बताया बेटा तू रामायण पढ़, बेटा तू एक माला जप कर, कभी बताया बेटे को, बोले नहीं, पर इसका फल करके तो भोगना पड़ेगा ना, फिर कौन भोग करेगा। इसलिए ध्रुव जी पिता माता की चरण का आशीर्वाद लेकर के माता जी की उन्होंने माता हृदय से आशीर्वाद देती है, तो उन्होंने आशीर्वाद लेकर गया और उन्होंने प्रभु को पाने के लिए इतना उतावला हो गया, जिसको देखे गले में लग जाए, शेर देखे सांप देखे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, क्यों, इसके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। इतने में वैकुंठ में नारायण चंचल हो गए, माँ लक्ष्मी पूछी प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो, बोले एक छोटा बेटा मेरे को पाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है, बोले प्रभु जाओ उसको दर्शन दो, बोले देखो लक्ष्मी अभी तक उसने गुरु नहीं दिया, जब तक कोई गुरु ग्रहण नहीं करता है तब तक मैं उसको दर्शन नहीं देता हूँ, हैं अभी गुरु ग्रहण करनी चाहिए, बोले प्रभु आपकी इच्छा से तो हो जाएगी। हाँ देखो एक छोटी सी कथा सुनो, गुरु ग्रहण क्यों करनी चाहिए, बोले एक समय कोई एक संत किसी गृहस्थ घर में कथा कर रहा था, उसने बताया देखो जो भगवान का नाम ग्रहण करता है वो भव सागर से पार हो जाता है, लेकिन उसकी घर में एक पिंजरा में एक तोता रहता था, वो तोता बोल बोला बोले बाबा क्यों झूठ बोल रहे हो, भगवान का नाम लेने से भव सागर से पार हो जाता है, क्यों झूठ बोल रहे हो, बोले झूठ किया। वो तोता ने कहा मेरे को देख ले, ये छोटा सा पिंजरा में मैं रहता हूँ, जो घर में आए ना सबके राम राम राधे राधे, सबको कृष्ण कृष्ण सबको मैं बोलता हूँ, अभी तक ये छोटी सी पिंजरा से ही मेरे उद्धार नहीं हुई, आप तो तू कह रहे हो भव सागर से उद्धार हो जाए, तो बहुत बड़ी चीज है। साधु तो चुप हो गया, बोले तो सही बताया है। उसने घर में आए और अपना गुरु जी को ये बात बताई, गुरु जी तोता ऐसे ऐसे बोला है, गुरु जी ने कहा बेटा कल मैं तेरे साथ में चलूंगा, तुम फिर जाकर कथा करना। दूसरे दिन गुरु जी साथ में आए, फिर उसने कथा बोले, बोले जो ठाकुर जी की नाम ग्रहण करते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। फिर तोता वही बोली, बोले बाबा फिर क्यों झूठ बोल रहे हो, इतने में गुरु जी खड़े हुए थे, बोले झूठ क्या बोल रहा है, तो सही बोल रहा है, बोले आप मेरे को देखो ना तोता बोल रहा है, ये छोटा सा पिंजरा में मैं रहता हूँ, सबको मैं राधे राधे राम राम बोलता हूँ, अभी तक ये पिंजरा से ही मेरी उद्धार नहीं हुई। वो संत ने कहा देखो तुमने जो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो और चुके किसी सदगुरु से तुमने नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे को उद्धार नहीं हो रही है, अगर किसी गुरु जी से नाम लेता ना तेरे उद्धार हो जाती। देखो क्यों गुरु जी से नाम लेनी चाहिए, ये हमारे जीव गोस्वामी ये बात को कहते हैं। ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष का फल आप ले करके बो दो लेकिन वो पेड़ नहीं होगा। हम जानते हो ऐसे कौन सा वृक्ष है जिसकी डायरेक्ट उसका फल लेकर के आप बोगे ना पेड़ नहीं होगी, बोल सकते हो कौन सा पेड़ है। विशेष करके दो वृक्ष है, एक पीपल वृक्ष और एक बरगद वृक्ष। आप देखना किसी पीपल बरगद पेड़ को नीचे कभी आप पीपल बरगद का पेड़ कभी नहीं देखोगे। इसको कहाँ देखोगे, किसी छत के ऊपर देखोगे, किसी छत के ऊपर नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में देखोगे ये वृक्ष है। बोले इसका नियम क्या, बोले नियम है जब वो बीज को कोई चिड़िया खाए फिर वो बीज किसी चिड़िया के पेट में जाए, उसकी पेट में ऐसे कुछ चीज है रस है, जब वो रस से युक्त हो फिर जब वो बीट करे पायखाना करे फिर जाकर के वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगी।
इसलिए देखना एक वृक्ष के लिए तीन चीज की जरूरत है, मिट्टी, वायु और पानी। इसके बगैर कहीं पेड़ नहीं होगा कदम। लेकिन आप देखना बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आप देखना छत के ऊपर भी जहाँ मिट्टी है ही नहीं, पानी भी नहीं, देखना वहां पर कहीं बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, आप तब उसको उखाड़ दो फिर दोबारा हो जाता है। और इतने जोर जबरदस्ती होता है वो छत को फाड़ देता है। देखे कि नहीं, पीपल बरगद का पेड़ देख एकदम फाड़ देता है, पूरा सीमेंट को फाड़ करके वो पेड़ हो जाता है। बोले क्यों? कारण है वो चिड़िया के पेट में ऐसे कुछ रस है। तो उसी तरह जो भगवत नाम है, क्यों ये गुरु जी से ग्रहण करनी चाहिए? कारण है जब वो मंत्र गुरु जी अपना हृदय में ले जाए, हृदय में लेकर के जो भजन करे, भक्ति करे, उनके हृदय में जो प्रभु का प्रति प्रेम है, हृदय में जो प्रभु का प्रति प्रेम है, जो मंत्र को जब वो प्रेम को साथ में कान में देते हैं, हमारा हृदय निरस होने पर भी, हमारा हृदय शुष्क होने पर भी, जैसे श्री वाल्मीकि दशरथ ना करता, लेकिन नारद जी से मिले तो नारद जी कृपा से तो कितने बड़े संत बन गए, नारद जी कृपा से कितने बड़े संत बन गए। इसलिए यहाँ पर श्री साधु ने बताया, देखो तुमने तो मंत्र जप कर रहे हो, लेकिन ये मंत्र किसी साधु से तुमने ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये मंत्र से तुम्हारी उद्धार नहीं हो रही है। वो तोता ने कहा, भैया फिर तो आप ही मेरे कान में मंत्र दे दो। फिर साधु ने वो तोते को कान में उन्होंने मंत्र प्रदान की। बोले देखो तेरे को काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। बोले तेरे को कुछ नाटक करना पड़ेगा, जब तक ये पिंजरा को अंदर में रह करके राम राम करोगे ना मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले जब ये कथा समाप्त हो जाएगी तुम भी अपना शरीर को छोड़ने का बहाना बना, फिर तुमको अंदर से निकाल कर अर्थी में ले जाएंगे, जब ले जाएंगे ना फिर फर रहे हो जाएंगे। वाह गुरु जी ने तो बहुत बढ़िया मंत्र दिए। अभी वो बाबा जब कथा की, जब कथा विश्राम हो गया, वो तोता नहीं जान बूझ कर शरीर छोड़ दिया, मरे नहीं, उसने नाटक रचाई। बोले भैया ये तोता का जीवन धन्य है, क्यों? ये कथा सुनते सुनते अपना प्राण त्याग दिया, चलो इसकी अर्थी हम निकालते हैं। अभी उसको पिंजरा से निकाले, अर्थी में सजाया, गले में सुंदर फूलों की माला पहनाया, और जब राम नाम सत्य करते करते ले जा रहे थे ना, इतने में तोता फर कर घूम लिया। वो साधु ने कहा, क्यों तोते जी? साधु से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ तभी मुक्ति मिलेगी जब साधु से मंत्र ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान श्री नारद जी को भेजे, नारद जी ध्रुव महाराज को ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये मंत्र प्रदान की, और उन्हें त्रिसंध्या यमुना में स्नान करते हैं, और तीन दिन अंतर अंतर में बेर फल को खा करके भजने की, दूसरे महीना में छह दिन अंतर अंतर में पेड़ से जो पत्ते गिर जाता था खा कर भजन किए, तीसरा महीना में उन्होंने पानी पी करके नौ दिन दिन को बाद में एक बार पीते थे, चौथा महीना में बारह दिन को बाद में एक बार केवल हवा लेकर के, पंचवा महीना में हवा भी बंद कर दिया, छठवा महीना में अपना प्राण वायु को उन्होंने रोक लिए, रोक के ही दुनिया के सारे वायु बंद हो गए। जैसे कोई एक हाथी किसी नाव में जैसे प्यार रखे वो डगमगाता है, अभी इनके भार को पृथ्वी सहन नहीं कर सकते, सारे वायु बंद हो गई, सारे देवता लोग हाहाकार करते करते ठाकुर जी के पास में गए। ठाकुर जी बोले कोई चिंता नहीं, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। भगवान आए, एक झलक दर्शन दिए, हृदय से अंतर ध्यान हो गई, उसने छटपट करते हुए आँख खुले तो सामने ठाकुर जी का दर्शन किया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले ध्रुव जी मेरे को स्तुति करो। बोले मैं स्कूल ही नहीं गया, संस्कृत नहीं पढ़ा, शंख को ये ज्ञान स्वरूप उनकी कपोल में स्पर्श कराए तो हृदय को कितना ज्ञान स्फूर्ति हुई है, तो उनके धरा धर ठाकुर जी को स्तुति करने लग गए। भगवान बोले बेटा बरमा दो। बोले प्रभु अगर कोई व्यक्ति कांच की टुकड़ा ढूंढ रहा है उसको पार से पत्थर मिल जाएगा, जगत में इसे कौन सा बेवकूफ होगा जो कि पार से पत्थर छोड़ करके कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा? आपका चरण तो बड़े बड़े देवता ऋषि के लिए भी दुर्लभ है, आपकी चरण हमें दर्शन दिला प्रभु, आपकी हमें भक्ति दो, संतों की संग प्रदान करो। बोले तू संतों की संग क्यों मांग रहे हो?
बोले प्रभु आपका आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आपका आपकी कथा नहीं सुनाओगे, आपका भक्त आपकी कथा सुनाएगा। आज जो आप मिले हो वो संतों की कृपा से ही आप मिले हो, इसलिए आपका संग हमें नहीं चाहिए, आपका भक्तों का संग हमें चाहिए। हम हर समय तुम्हारी कथा सुनेंगे ना, ये मन आपके चरण में लगा रहेगा। बोले ठीक है, दे दूंगा, और कोई चिंता मत करो, और कुछ मांगो। बोले प्रभु और किसी चीज की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है, मैं तेरे को देता हूँ, तेरे लिए एक दया वैकुंठ बनाऊंगा जिसका नाम ध्रुव लोक से प्रसिद्ध होगा। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये तेरे को ध्रुव तारा को जगत स्मरण करते रहेंगे। और तुम अभी तुम वापस चले जाओ, तेरे पिताजी बड़े दुखी है, अभी तुमको राजा बनाकर को भजन करने के लिए चल जाएंगे। ध्रुव महाराज जब वापस आए, पिताजी उनको राज सिंहासन में बैठाए, भजन करने के लिए चले गए। जब 36,000 साल पूरी हो गई, वैकुंठ से रथ आया लेने के लिए। बोले ध्रुव जी बैठो और वैकुंठ चलो। इतने में देखो जन बहुत अच्छी बात यहाँ पर सीखा गया। जब वो रात में बैठने जा रहे थे, काल भी आ गया, बोले मेरे को स्पर्श तक किए मगर जा नहीं सकते, बोले यहाँ बैठ जाओ। ध्रुव जी ये शरीर को त्याग नहीं दिया, ये शरीर सशरीर में काल के सर पर प्यार रख करके जब वैकुंठ विजय कर रहे थे, इतने में मैया की याद आ गई। बोले मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। तब विष्णु सूत ने कहा भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो। बोले आज जो हमें भगवान मिले हैं ये माँ की कृपा से, माँ ने मेरे को बताई थी बेटा प्रभु की भजन कर, उनकी गोद में बैठो कभी उतरोगे नहीं, इसलिए मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तब विष्णु सूत कहते हैं ऐसे जो तुम्हारी मैया तेरे को भजन के लिए ऊपर से दी देंगे बेटा, तेरे से तेरी मैया वैकुंठ पहले जा रही है, उसको पीछे पीछे तू जा रहे हो, तू आगे नहीं जा रहे हो, तेरी भैया वैकुंठ जा रही है। हाँ देखो जितने माता है, अगर बच्चों को भजन में लगाओगे ना, आपको उधार होने से पहले आप उधार होगे। इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते हैं वंश में अगर एक बेटा प्रभु का भजन करे उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। बोले कुलम पवित्रम जनन की तारा, जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देती है वो पिता माता की जीवन धन्य हो जाती है। बोले नृत्यंति स्वर के पितरी की तरह सा, जो पूर्वज लोग पहले चले गए वो नाचने शुरू कर देते हैं, हमारे अहोभाग्य है हमारे वंश में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म लिया। बोले वसुंधरा बसती कन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर वो बच्चा जन्म लेता है वो वसुंधरा भी धन्य हो जाती है। देखो और एक अच्छी बात को समझो, अगर बच्चे अगर भजन करेगा तो इतना लाभ, अगर बच्चा बिगड़ गया, शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, बीड़ी फूंकता है, उसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा, जैसे उसका पुण्य भी पिता माता लगे उसको पाप भी लेना पड़ेगा। देखो ये पुराण में कथा आती है, इतनी बात को अच्छा करके समझो। एक समय एक जोगी ये स्वर्ग में पहुंचा, एक लोग बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया हुआ, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उनको सेवा कर रही थी, लेकिन स्वर्ग में भी वो दुखी होकर के रो रहा था, बेहोश हो रहा था। तो वो जोगी ने पूछा भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके तुम स्वर्ग में आए हो और यहाँ पर अप्सरिया तुमको सेवा कर रही है, लेकिन यहाँ रो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो। बोले मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई। बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग में नहीं दिखा पाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था वो बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी से मांस खा रहे हैं, उसी से बीड़ी फूंक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। चुके पैसा मैंने छोड़ करके आया था, वो पैसा मेरा है, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ता। अगर हमने बच्चे जन्म दिए, अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए उसका पाप भी ये पिता माता को लेना पड़ेगा, बच्चे अगर सद्मार्ग में गए उसका पुण्य भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ देखो पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु कौन है, सबसे पहला संस्कार किससे मिलती है, पिता माता से। सबसे पहले संस्कार तो पिता माता से मिलेगी ना, अगर पिता माता अगर भजन करते हैं, माला जप करते हैं, हरि नाम करते हैं, तभी तो बच्चों को बोल पाओगे बेटा तुम एक माला जप कर, तुम भी थोड़ा भगवान की गीता पढ़ो, थोड़ा रामायण पढ़ो, भजन करो। अगर पिता माता खुद ही भजन नहीं करते, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, पर बच्चों से संस्कार कहाँ से मिलेगी बच्चों को, इसलिए पहला संस्कार पिता माता से पड़ेगी। इसलिए आप लोग भी हरिनाम करो, भजन करो, बच्चे को बोलो बेटा धर्म नियम बनाओ,
जब तक बेटे को अगर जोर जबरदस्ती हम स्कूल भेज सकते हैं। मैं कल गया था हमारे मंदिर को समझ के पार्क घूमने के लिए, वहां पर कुछ लोग बैठ के बात कर रहे थे। देखो क्या बात कर रहे थे, बोले पहले तो किसी गांव में एक गुंडा रहता था, अभी घर घर में गुंडा हो गया। बोल रहा था बोले कौन, बोले बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बोले घर घर में गुंडे हो गए। वो व्यक्ति बोल रहा था, वो व्यक्ति एक था सिख पंजाबी, तो बोल रहा था जब हम कॉलेज में जाते थे कि बस में हम 5-10 लड़के आते थे, उसमें स्नातक एक लड़की भी वो भी कॉलेज में पढ़ती थी, जिंदगी में वो लड़की को हमने हालो नहीं बोला, लेकिन अभी पिता माता को सामने बैठी जाकर दूसरे लड़के का हाथ पकड़ लिया। वो वहां पर पार्क में से बात कर रहे, अभी घर घर में गुंडे हो गए, पहले तो पूरा पाड़ा में एक गुंडा होता था, घर घर में गुंडे जन्म ले, वो सब बात कर रहे थे हमारे साथ। इसलिए अगर आप भक्ति करोगे ना, आप देखना बच्चा इतने अच्छा बनेगा, क्यों, वो समझेगा पिता माता हमें जन्म दिया, इसलिए पिता माता की सेवा हमें करनी चाहिए, क्यों, संस्कार आपने दिया है। भक्ति करेगा तो भावना अच्छी कविता बनेगी, इसलिए पहले आप लोग भजन करो, भक्ति करो, बच्चों को भी भक्ति शिक्षा दो, बच्चे भी भक्ति करें। जिस घर में प्रभु भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो घर घर नहीं, वो घर भगवान का धाम हो जाता है, वो घर भगवान की गोलक वैकुंठ, वही गोलक वृंदावन है जिस घर में भक्ति भजन करते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान बामन जब जन्म लेंगे, फिर भगवान कन्हैया जन्म लेंगे, ठीक है, आज तो कृष्ण जन्म लेंगे, कल से राधा रानी जन्म लेंगे। अब लोग आज कौन सा रंग के कपड़े पहन कर आए, पीले रंग के ना, कोई पीले कोई काले, कल है सबके सब गुलाबी रंग का साड़ी पहन कर जाना, ठीक है, जो कुछ पहनना गुलाबी रंग की, क्यों, कल से राधा रानी जन्म लेंगे। बोले गुलाबी रंग क्यों पहनेंगे, आप देखना ना होली खेलते है ना, आज ब्रज में होली रसिया जो गुलाब रंग है वो अनुराग का प्रतीक है, राधा रानी ऊपर में उनकी जो चुंदरी का रंग है गुलाबी रंग है, ये गुलाबी, देखो मेरे को देखो, ये जो रंग है ना ये गुलाबी रंग, हम ये रंग तो क्यों पहनते हैं, कभी जो रंग है ये अनुराग का प्रतीक है, राधा रानी जो चुंदरी गुलाबी रंग मतलब कृष्ण की अनुराग में अपना शरीर को ढकी हुई है, इसलिए हम लोग संत लोग इसलिए ये वस्त्र को धारण करते हैं कि अनुराग प्रेम का रंग ये है, इसलिए कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। राधा रानी कौन है, साक्षात प्रेम की स्वरूप श्री राधा रानी, प्रेम स्वरूपी भक्ति स्वरूपी, जिसने कल सबके सब गुलाबी रंग के जो कुछ पहनना गुलाबी रंग के, अगर नहीं होना इसे धार करके पहनना, लेकिन पहनना कौन सा गुलाबी रंग, ठीक है, बोले श्रीमती राधा रानी बोले श्री कृष्णराज नंदिनी जय जय श्री उसको 10-10 बेटे हुए, लेकिन सबसे छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया, सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अभी हर बात बात में बेटे को बुलाता, बोले बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, नारायण मेरे लिए खाना ले आए, ऐसे करते करते अभी मृत्यु का समय आए, और जीव मरते समय हम काय मन वाक्य से कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत लेने के लिए आए, इतने में अपना बेटे को दूर से देखा, देख करके अपना बेटे को बुलाया, बोले बेटा नारायण, इसमें चार यकर नारायण, जब नारायण का नाम लिया, एक तरफ से जमदूत लेने के लिए, दूसरे तरफ में विष्णु तो आ गए, बोले डरने का कोई बात नहीं, हम रक्षा में करेंगे, एकदम वहां प्रकट हो गए, और जो अज्ञान को ले जा रहे थे काल पास में रोक दिए,
विष्णु ने कहा भैया तुम लोग कौन हो? बोले धर्म राजा का जो बोले धर्म का नाम पर अधर्म क्यों कर रहे हो? बोले क्या अधर्म है आपको बताइए व्यक्ति कौन? ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी अच्छी थी, कम उम्र की, लेकिन इसने एक वेश्या को साथ में रह करके धर्म कर्म सब कुछ भूल गया। भूल करके उससे 10 बच्चे हुए और जितने संसार को पालने के लिए चोरी गुंडा विधि सब कुछ पाप कर्म क्या आपको बताइए इसने क्या किया? और उसके हाथ में अमित कुमित सब कुछ भोजन किया, सीधा नर्क जाएगा। बोले भैया पुण्य भी तो कुछ किया। बोले पुण्य क्या किया? बोले जो नारायण नाम लिया। बोले बाप जिंदगी भर पाप करो, अब मरने से पहले नारायण बोल दिया हो गया सब कुछ। तब विष्णु तो कहते बड़े मूर्खों तुम्हें क्या पता ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भूस का एक ढेर हो, रूई का ढेर हो, उसमें आग की एक चिमिका पड़ जाए ना जला करके राख कर देता है। और ठाकुर जी का नाम तो हरि से बड़ा हरि का नाम है, उसने भगवान के नाम ग्रहण किया। फिर जब तो कहते हैं बोले भगवान का नाम कब लिया? वो तो अपना बेटे को बुलाया था, वो भगवान का नाम कब लिया? उन्होंने बोले देखो जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था वो सारे पाप से मुक्त हो गया था। बारंबार अपना बेटे को बोला नारायण पानी ले आओ, नारायण गोद में ले आओ, जैसे हम माला जप करते हैं ना इसका माला जप हो गया। लेकिन अंतिम समय में जो उसने नारायण नाम लिया है ये ठाकुर का विशेष कृपा है, इसलिए भगवान का नाम सारी तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेत्य परिहासंबा स्तोभा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। बोले पहला नंबर बताए बोले सांकेत्यम। सांकेत्यम मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम कृष्ण गोपाल राम रख लिया, बारंबार बेटे को बुलाते हैं उसमें भी कल्याण है। इसलिए आप देखना पहले जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछ लो, जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो कृष्ण गोविंद दामोदर, जितने माताओं का नाम लो गीता सीता पार्वती से, अभी बच्चों का नाम पूछो टिक्की रूनू टुल्लू पुल्लू, जितने विदेश में कुत्ते हैं ना सब कुत्तों का नाम धरवा दे, ये विदेश में सब कुत्तों का नाम है। बोले भगवान का नाम कैसे रख लेंगे? ये तो पुराना हो गया कृष्ण गोविंद। अभी तो हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, हम अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित कर रहे हैं, हम तो कुत्तों का नाम रखवाएगा नहीं। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? वहां पर देखना किस कौन मंदिर में कभी जाना है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को देखना, अंग्रेजी बच्चों को देखना, उनको पूछ करके नाम देखना बच्चों का नाम क्या उन्होंने धरवाया है, कृष्ण गोविंद दामोदर लड़की गीता सीता ललिता विशाखा सब ठाकुर का नाम। हम तो हालो हम लोग तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वो नहीं, हरे कृष्णा राधे राधे राम राम वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम उनकी संस्कृति को हम उनके संस्कृति को ग्रहण करते हैं। रसिया से एक लड़की यहाँ पर आई पीछे बैठ गई, वो लड़की रसिया में अभी लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। जानते हो क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कहते हम लोग साड़ी पहन करके इस कॉलेज क्यों नहीं जाए, लड़ाई कर रहे हैं सरकार से साड़ी पहन करके हम क्यों कॉलेज नहीं जाए, लेकिन हमारा भारत में कहते हम जींस पहन करके नहीं जाए। बोले वो लोग इतने हम लोग हिंदू है कोई गीता का कोई श्लोक पूछो, बच्चों को कोई गीता का श्लोक पूछो चुप, तो कौन हीरो का नाम क्या कौन हीरोइन का नाम पूछो सारी याद है। लेकिन उनको देश में आप सोच नहीं सकते हो, उनको देश में पूरा के पूरा गीता की गीता। एक महाराज हुए अंग्रेज राधानाथ महाराज, कभी यूट्यूब में ढूंढना के नाम सुन लो राधानाथ महाराज, उनको यूट्यूब में ढूंढना, वो अंग्रेजी अमेरिका से आए। आप सोच नहीं सकते भारत में कैसे हमारे गीता धर्म को कैसे प्रचार कर रहे हैं, इतने शिष्य भारत का। और एक जयप्रद का महाराज हुए वो अंग्रेज अमेरिका में, आप सोच नहीं सकते हमारे भारत में आकर के हमारी गीता रामायण भागवती हमें सुना रहे हैं, अरे हमें सुना करके हैं हमको हम लोग को शिष्य बना रहे हैं, हजार हजार उनकी शिष्य लाख लाख उनके शिष्य है भारत में, कहां वे लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हम उनकी संस्कृति को ग्रहण करें। उनका जैसे खान उनके जैसे रहना उनका जैसे सहना, जिस चीज को उन्होंने नफरत होकर फेंक दिया ना उनको झूठा को उठा कर खा रहे हैं। वृंदावन में जाकर देखना उनकी लड़की को देखने साड़ी पहनी हुई तिलक लगाए गले में कंठी माला तो देखोगे ना लग गया जैसे गोपी जैसे। तो यहाँ पर भी एक लड़की आई है, क्या स्टैंड
देखो एक लड़की है, ये कभी रसिया से आई है, देखो ये लड़की तो देख लो कैसे तिलक लगाई, गले में कटती है माला भगवान की। अभी ये लड़की मृदंग सीख रही है, भगवान को भजन करने के लिए लड़कियों को मृदंग सीख रही है। बोले हम अपना देश में जा करके हम भगवान की गीता को प्रचार करेंगे, रामायण को प्रचार करेंगे। इसलिए इन लोगों का जो भीजा खत्म हो जाती है ना, इतने दुखी होती है, इतने दुखी होती है, वो कहती है भगवान हमें ये नरक में क्यों जन्म दिया, भगवान हमें ये भारत में क्यों जन्म नहीं दिया। रोते हैं, दुखी होते हैं और लाख लाख रुपया खर्चा करके अपना वीजा को उन्होंने बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारे वीजा बढ़ जाए, हम भारत में रहे, भजन करें, हैं? ये लोग हमारी संस्कृति की महत्व समझे। लेकिन हमारा देश का लड़का लड़कियां देखो एकदम भक्ति से नास्तिक, धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं हमारे बच्चे सब के साथ, भगवान भगवान से पूरा नास्तिक होते जा रहे हैं। और ये लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण करते, बोले क्यों भैया शांति सुख हो तो प्रभु का भजन हो, भक्ति में। देखो अमेरिका में आप इस्कॉन का नाम सुने होंगे, इस्कॉन का नाम सुने होंगे, भक्ति बाजार से स्वामी प्रभुपाद जिसको कहते हैं, कि जब अमेरिका में सबसे पहले प्रचार के लिए गए, देखो क्या हुआ, वहां पर लोग सब हिप्पी हो गए, हिप्पी हो जानते हो क्या हो गए थे, इनको सरकार किसी तरह रोक नहीं पा रहा था। उन्होंने एक साथ में ये ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे, जब वो नशा का समय आता था किसी दुकान में आटा करते थे और मार पीट करके सारे पैसा को छीन लेते थे, इनको नशा करते थे, ड्रग लेते थे, हीरो हाँ क्या इसको हीरोइन लेते थे, सरकार इनको किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था। इसी तरह सरकार बड़ा परेशान था, जब स्वामी प्रभुपाद गए अमेरिका में, उन्होंने एक पेड़ को नीचे बैठ कर, उनके पास में कुछ नहीं था, उनके पास में केवल ये दो मजीरा थे, केवल उन्होंने वहीं बैठ करके एक पेड़ को नीचे बैठ करके उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare। एक पेड़ होने के बैठ के क्यों हरे राम हुआ, देखो हिप्पी लोग क्या हुआ, वो लोग हिप्पी क्यों हो गए, जगत कारण क्या, ये जगत में हम प्रेम पहले कहाँ ढूंढते, आनंद कहते लड़का लड़की में और लड़की लड़का में, बॉयफ्रेंड गर्ल फ्रेंड में, गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड में। बोले भैया ये चमड़ा का सुख है, ये चमड़े की सुख है, वो टाटी पेशाब खून पी का थली है, ये ज्यादा दिन ये सुख नहीं रहता है। इसलिए बोले यहाँ से प्रेम कहाँ से शुरू होता, आई लव यू, बाद में आई लीव यू, लास्ट में आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में जाकर लड़ाई करते, डाइवोर्स के लिए डिवोर्स के लिए कोर्ट में लड़ाई करते। इसलिए वो लोग पहले सुख कहाँ ढूंढे, कि शरीर चाहते, शरीर को प्रेम करते, दो दिन बाद टिकी, पहले चंद्रमुखी फिर ज्वालामुखी फिर सूर्यमुखी लड़ाई, फिर कहाँ जाकर आनंद ढूंढते हैं पीने में। विदेश में का कथा बता रहा हूँ, वो पीने में सोचते, शराब में आनंद, सिगरेट फूकने पर उसी में आनंद ढूंढते हैं, फिर आनंद किसी में ढूंढते, बोले जब इसी में आनंद, फिर ड्रग्स लेते हैं ऊपर, फिर हीरोइन लेते हैं, बोले ऐसे उनकी जीवन हो गया था, नरक जैसे जीवन हो गया था, सरकार रोक नहीं पा रहा था। जब वो गार्डन में जाकर के हरिनाम करना शुरू किया, वो जितने हिप्पी थे ना, वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये जो भगवान का जो नाम है ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम, कहते ना प्रभु का नाम में कितने शांति कितने सुख है। देखो एक समय साइंटिस्ट ने ये चीज को रिसर्च करके देखा, ध्यान देकर सुनो, क्यों कहते हैं भैया ठाकुर का नाम में इतना आनंद क्यों है। एक समय साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, उन्होंने तीन ट्रे ले लिया, तीन ट्रे में साबुत मूंग डाल, तीन ट्रे में डाल दिए,
और थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, पानी दे करके एक ट्रे तो साधारण जगह में रख दिया और एक ट्रे को जहाँ पर ये हरे कृष्ण महामंत्र चलती है जैसे भी वहां रख दिया और एक ट्रे को रख दिया जहाँ पर रात म्यूजिक चल रही है। बोले देखते हैं क्या होता है। उन्होंने तीन दिन के बाद में देखा जहाँ पर साधारण जगह पर वो ट्रे रखा था उसमें थोड़ा अंकुर आया और जहाँ पर ये हरे कृष्ण महामंत्र चल रही थी वहां पर अंकुर दो दो तीन तीन गुण ज्यादा आई और जहां पर ये रथ म्यूजिक चल रहा था वो एक भी अंकुर नहीं आया। मुंह डाल भर गया वो एक भी अंकुर नहीं आया। साइंटिस्ट ने देखा भैया सचमुच से ठाकुर का नाम है बड़ा आनंद है, मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर का नाम, इसलिए तो कहते ना ठाकुर का नाम में कितने शांति कितने सुख। तभी तो हनुमान दिन रात रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तभी तो हनुमान जी चतुर्थ ठाकुर का नाम लेते हैं ना। शंकर जी क्या नाम लेते हैं, शंकर भी महामंत्र जय जपत महिषा, शंकर भी हर समय महामंत्र जप करते हैं। माँ देवी भी बोले राम रामे तिरमे तिरमे रमे मन रमे, उनका आठ हाथ में देखना है कि माला है देवी हाथ की, आठ हाथ में विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की चार हाथ में की माला, सरस्वती की चार हाथ में की माला, ये विश्व ब्रह्मांड ठाकुर के नाम जप करते हैं। बोले भैया सचमुच से प्रभु का नाम में बढ़ा सकती है, इसलिए धीरे धीरे जो हिप्पी लोग थे ना वो धीरे धीरे बाबा को पास में आने लगते। कभी कभी बोलते बाबा तुम भी थोड़ा पी लो, वो बाबा को बोलते थे तुम भी थोड़ा पी लो, लेकिन वो बैठ कर केवल ठाकुर का नाम जप किया, कुछ नहीं किया, हरे कृष्ण नाम जप किया, करते 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 धीरे धीरे हिप्पी लोग बैठने लगे और फिर उन्होंने ये भगवत गीता सुनाया, ये शरीर किया ये आत्मा किया, हम शरीर को सुख देना चाहते हैं लेकिन हम शरीर नहीं ये आत्मा है। जैसे कि पिंजरा है उसका अंदर में तोता है, अगर दिन भर अगर पिंजरा को कलर करते रहोगे तोता जीता रहेगा, अगर तोता को खाना नहीं खिलाओगे, अगर तोता को खाना नहीं खिलाओगे फिर तोता जिंदा रहेगी नहीं रहेगी। हम भी उसी तरह शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, इसको सजाएंगे इसको पहनाएंगे, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा है ना उसको कोई ध्यान ही नहीं देते और एक दिन ये तोता मर जाती है, ये तोता एक दिन मर जाती है। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी गीता की बात सुनाया ना, वो सारे भक्त सब विदेश में सबके सब बदल गए, सब छोटी और गले में कंठी माला तिलक करके सबके सब भगवान के भक्त बन गए। वो एक महापुरुष भारत से गए, एक महापुरुष गए संपूर्ण विश्व को, उन्होंने हमारी सनातन धर्म गीता प्रचार उन्होंने संपूर्ण विश्व में उन्होंने हमारी सनातन धर्म को पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ बड़े दुर्भाग्य आ गए भारत में ही, लेकिन अपना गीता को आदर नहीं करते हैं। भैया ऐसे कोई समाधान नहीं जो गीता से ही पूरी नहीं होता है, इसलिए भैया हम लोग को गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरि पर जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि पर आपका फोटो ले रहे हैं, जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे लाल की जय, श्री बामन भगवान की जय। अभी भगवान बामन आ रहे हैं, बामन को सजाओ तो कहाँ बामन गए, बामन को छोटे बच्चे को सजा दो, भागवत को सजा दो, उसको छतरी में देना ठीक है, उसको गला में फूल की माला पहना देना और तिलक लगा दे ठीक है। और देखो हरे कृष्णा एक अनाउंस मैंने है, हमारे श्री नवीन प्रभु जी जैसे यहाँ पर भागवत कथा 25 तारीख तक और जनवरी 26 को इनकी इच्छा है श्री गिरिराज गोवर्धन जाने का है। जो गिरिराज गोवर्धन है ये कोई साधारण ये पहाड़ नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से भगवान इस धरती पर गोलोक वृंदावन से आए हैं, इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता गिरिराज। मतलब जो कुछ गिरिराज से मांगो गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। हम लोग कौन कौन गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हैं, हाथ उठाओ तो
आप देखना गिरिराज गोवर्धन ने जो गिरिराज का जो शिला है ना, शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखोगे, क्यों जानते हो? जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए कहते शिला के ऊपर में जितने शिला रख देते ना ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं। भैया इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, वो क्या हमसे मांगेगा? जो मांगेगा उसको हम वही दे देंगे। इसलिए जो लोग गिरिराज गए होंगे देखे होंगे लोग दूध की धारा से परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज को अभिषेक कर रहे हैं, छप्पन भोग लगता हुआ देखोगे आप, पेड़ में देखना धागा लपेटा हुआ देखोगे। बोले क्यों? बोले जिनकी बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, जिनकी नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, घर में कोई भी परेशानी हो, बोले श्री गिरिराज से प्रार्थना करो, ये गिरिराज सारी इच्छा को श्री गिरिराज पूरी कर देते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए 26 जनवरी को, जनवरी 26 को हमारे श्री नवीन प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन जाएंगे, जिनकी इच्छा है जाने की हम लोग उनसे अपना नाम दे दो। और उन्होंने फीस रखा 600 रुपया, जाने का आने का और प्रसाद का सब का लेकर के 600 रुपया है। इसलिए आप लोग उन पर नाम दे देना, क्योंकि वो बोल रहे थे अभी बस से बात करना पड़ेगा, गाड़ी से पहले से बात नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं मिलेगी। आप लोग कोशिश करना आज जाते समय प्रभु जी से मिल करके अपना नाम और फोन नंबर दे जाना, फिर तो वो व्यवस्था करेगी गिरिराज जाने के लिए। बोले श्री बाबा ने भगवान की जय। अभी ये देवता दैत्य में लड़ाई होती थी, अगर देवता मर तो मर जाए, लेकिन दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य, अगर दैत्य मर जाए ना फिर उनको संजीवनी मंत्र से वो जिंदा कर देते थे। अभी देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन करो, समुद्र से अमृत निकलेगा, इसको पी करके अमर बन जाओगे। अभी मंथन प्रारंभ की तो सबसे पहले हलाहल बीच निकली, श्री शंकर जी से प्रार्थना की, उनने टन के टन उन्होंने बीच को उन्होंने पी लिया, लेकिन धारण कहाँ किया? बोले गले में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ महादेव देखो शंकर जी शिक्षा देते हैं, भैया कोई गंदी चीज है ना हृदय में मत रखा करो, हृदय तुम्हारी गंदा हो जाएगा। कोई गंदी चीज होगा मुंह में मत रखा करो, अगर मुंह में कोई गंदी चीज होगी ना फिर तो संसार में लड़ाई लगाएगी। ये महाभारत क्यों हुआ? ये द्रौपदी की वजह से, उसने इतनी सी गोली बोल दी, अंधा का बेटा अंधा हुआ, बस सारे महाभारत। ये रामायण क्यों हुई? बोले सीता जी थोड़ी सी गलती बोल दी। बोले क्या बोली? जब हिरण रूप लेकर मारीच आया, सीता ने बोली प्रभु ये मृग हिरण को पकड़ कर ला दो, प्रभु राम चले गए। लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण तुम यहाँ से कभी सीता को छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं, हर समय रक्षा करना। बोले ठीक है प्रभु। इतने में जब वो तो था मारीच था, जब प्रभु ने बाण मारे और हिरण बड़ी जोर से चिल्लाया भैया लक्ष्मण, सीता ने बोले तुमने सुना प्रभु राम को ऊपर कोई विपत्ति पड़ी, लेकिन लक्ष्मण को पता भगवान राम के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। बोले नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे को भैया ने बोले आपको रखवाली के लिए। इतने में सीता ने बोली अभी मैं समझ रही हूँ तू क्यों हमारे साथ में आए, तू ये सोच रहे हो राम मरेगा तो तू मेरे से शादी करोगे? लक्ष्मण तो सीता को अपना माँ मानती है, अगर माँ अगर ऐसी कठोर बोली बोले वो कैसे सहन कर सकती है? उन्होंने लक्ष्मण रेखा को काट करके बोले माता जी एक काम करो, ये रेखा को कभी पार नहीं करना। लेकिन सीता ने दो गलती, पहला गलती तो उन्होंने जीवा चलाई, दूसरे गलती की उसने लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार किया, इसलिए रावण उठा कर ले गया। इसलिए माताओं को शिक्षा दो शिक्षा देती है, पहला नंबर तो मुंह नहीं चूहा नहीं चलाना। घर में क्यों लड़ाई होता है भाई भाई बहु बहन में परिवार में? यही कारण है, कुछ नहीं हुआ केवल जीवा थोड़ा स्लीप कर गई, कोई थोड़ी बात मुंह से निकल गई। देखना घर घर में महाभारत तो शुरू हो जाता, कुछ नहीं हुआ थोड़ी सी जीवा से कोई बात निकल गई है। इसलिए माताओं को शिक्षा देते हैं खबरदार कर लिए जीवा को नहीं चला ली। दूसरी चीज कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना,
अगर पार करेंगे ना फिर रावण उठा कर ले जाएगा हमें, इसलिए रावण आकर हमें उठा करके ले जाएगा। इसलिए हमें वो दो चीज सावधान रहनी चाहिए, पहले समुद्र मंथन हुई तो उससे माँ लक्ष्मी स्वयं निकली, फिर लक्ष्मी ने नारायण की गला में माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मंथन हुई, अमृत निकला, अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, दैत्य लोग छीन लिए, इतने में भगवान मोहिन बन करके आए, बोले तुम लोग दो लाइन करके बैठो, तुम दोनों में अमृत को मैं बंटवारा कर देती हूँ, पहले देवता को तो पानी पानी पिला दूंगा, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना दोनों बैठ करके हम पान करेंगे। इतने में जो अमृत पिला रही थी मोहिनी, वो केवल दैत्य को तरफ में थोड़ी सी तिरछ चितवन से देख रही थी और मीठी मीठी मुस्कुरा रही थी, दैत्यों का तो अमृत तरफ में ध्यान नहीं, उनको ध्यान तो मोहिनी की तरफ में, उन्होंने अमृत पिलाते पिलाते उन्होंने जब पिला रहे थे चंद्र सूर्य के बीच में सौरभान नाम का दैत्य बैठ करके अमृत पी लिया। देवता ने बोले प्रभु ये दैत्य धोखे से अमृत पिया, सुदर्शन चक्र को बुलाया, उन्होंने उनकी गला को काट दिए, एक राहु और एक केतु हुआ, इसलिए बीच बीच में ये चंद्र सूर्य को ये ग्रहण करता है। अभी समुद्र फिर जब उसने सारे समुद्र को पिला दी अमृत को, फिर मोहिनी अंतर ध्यान हो गई, देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, देवता अमृत कुछ पी चुके थे, दैत्य को जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना एक तरफ से उन्होंने उनको काटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा भैया लगता है दैत्य कुल तो समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा आकर उनको समझाया बुझाया, फिर उनको शुक्राचार्य के सारे चेले को जिंदा कर दिया। फिर बलि महाराज ने उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम विश्वसान जीत महायज्ञ, यज्ञ से एक रथ निकली, जिस रथ के ऊपर बैठ करके युद्ध कर कोई आपको परास्त नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाव की और मार मार कर देवता को भगा दिए और इंद्र राज्य को दखल कर लिए। अभी देवता लोग मर्त्य जगत में दर दर भटक रहे हैं। अभी देवता का माता अदिति कश्यप जी से बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा, बोले 12 दिन का के प्रयत्न करो, भगवान को खीर भोग लगाओ, केवल दूध पी कर के रहो, ठाकुर जी वामन रूप में आएंगे, फिर तुम्हें स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे। फिर भगवान वामन देव अवतीर्ण होते हैं, बोले श्री वामन भगवान की जय, बोले श्री वामन भगवान की जय। जब वामन देव प्रकट हुए विश्व ब्रह्मांड उपड़े, बृहस्पति ने उपनयन संस्कार की, नियम है उपनयन संस्कार के बाद में कुछ उनको भिक्षा मांगना पड़ता, गुरु जी को कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, बोले गुरु जी आपको क्या चाहिए, बोले मेरे को स्वर्ग राज्य वापस दो। तो उन्होंने श्री बलि महाराज के पास में गए, बलि महाराज उनके चरण धोए, बोले प्रभु जी आप क्या चाहते हो, बोले पहले आप संकल्प करो। जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे इतने में उनकी गुरु जी शुक्राचार्य आ गए, बोले बलि सावधान, ये जो बालक है ना ये साधारण नहीं है, पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना अभी वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आया है, ये तीन पग जमी नहीं ये त्रिभुवन को ले जाएगा, खबरदार तुमको दान नहीं करना। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक तो भगवान फिर ये चाचक बन करके आए, बोले जरूर मैं इनको दूंगा, बोले मेरे बात नहीं सुनोगे, बोले नहीं, बोले जा तो श्री भ्रष्ट हो जा, उनको अभिशाप दे दिए। लेकिन श्री बलि महाराज उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया, देखो नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है गुरु जी को त्याग देने पर, लेकिन ऐसे कुछ स्थिति बताएं जिस स्थिति पर आप गुरु जी को त्याग दे सकते हो, बोले कहां कहां पर, पहला नंबर है अगर गुरु जी कोई शुद्ध वैष्णव लाइन में नहीं है, इसलिए ये पद्म पुराण कहता है संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते विपलमता, अगर ये चार वैष्णव संप्रदाय है श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, अगर ये चार संप्रदाय से अगर गुरु जी कोई अलग स्थान से हो फिर वो मंत्र काम नहीं करेगा, भगवान खुद कहते हैं इसलिए वैष्णव संप्रदाय होनी चाहिए। दूसरा स्थान अगर गुरु जी भ्रष्ट हो गए, अपना गुरु जी भक्ति लाइन से भ्रष्ट हो गए, यहाँ पर त्याग कर सकते हो। तीसरा है अगर कोई स्त्री संगी हो गए,
भक्ति लाइन से चुत हो गए। फिर वो गुरु जी को त्याग दे करके शास्त्र कहता है ग्रहण एत वैष्णवात गुरु, फिर हम वैष्णव गुरु को ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं लगे। इसलिए यहाँ पर गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन गुरु जी स्वयं कहते भगवान को भक्त बोले भैया गुरु का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरु नमः। गुरु का काम ठाकुर जी की दर्शन कराए, जो कण कण में व्याप्त ठाकुर जी स्वयं आए। अब गुरु जी कहते भगवान को मत दो, भैया इसे गुरु जी की जरूरत नहीं, इसलिए गुरु जी को उन्होंने त्याग दिए। फिर भगवान जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे, फिर वो कीड़े बनकर बैठ गए कमंडल में, फिर उन्होंने पूछ से छेद किया तो एक आंखी चली गई। फिर उन्होंने भगवान को संकल्प किया, भगवान एक पग में भूर भूव मोहजन तप सत्यलोक तक नाप लिया, एक चरण सत्यलोक में पहुंचा तो भगवान श्री ब्रह्मा जी चरण को उनकी अभिषेक करके जो कमंडल में रखा वही श्री पति पावन श्री गंगा बनी। बोले श्री गंगा देवी की। दूसरे पग में अतल बीतल तला तला पाताल लोक तक ले गए। बोले बताओ तीसरे पग कहाँ रखे। फिर उन्होंने गौरू को बुला करके नाथ भास बंधन में बांध दिए। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना बड़ी बुद्धिमान, पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा ठाकुर को क्या दिया, कुछ तो दिया ही नहीं, दुनिया ठाकुर ठाकुर दुनिया को ले लिया, आपने क्या दिया जब तक खुद को नहीं देते हो, बोलो ना मेरे सर पर गंगे। बोले वाह कितनी अच्छी पत्नी है। पत्नी मतलब क्या, पति को कभी गिरन नहीं दे, हर समय पति को जो उठा करके रखे ये पत्नी है। बोले तो सही पत्नी हो, पति की दुख का समय में उसको सही रास्ता जो दिखाए यही असली पत्नी है। बोले प्रभु ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा। बोले दानी बड़ा। बोले आप तो दानी ही है, अभी दानी स्वयं बाकी है। बोले आपका पग कहाँ। बोले कहाँ पर रखे। बोले सर पर। भगवान तीसरे पग उन्होंने बलि महाराज का सर पर रखे। सारे देवता देख देख कर के हैरान हो रहे थे, देखो कितने दुर्लभ चरण, जिसको माँ लक्ष्मी चरण की सेवा करती है ये चरण आज उन्होंने बलि महाराज का सर पर रखे। सारे देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री बलि महाराज की जय। अभी बोले तुम वर मांगो बेटा। भगवान ने उसको वरदान दिए। बोले जाओ तेरे को मैं सुतल लोक में स्थान दे रहा हूँ, और एक दिन तुम स्वर्ग का इंद्र तुम बनने वाले हो। बोले तुम वर मांगो। बोले प्रभु मेरे को एक वर दो, मैं जब घर से निकलूं आपका दर्शन करूं, जब घर में आऊं आपका दर्शन करूं, यही दो। भगवान तथास्तु बोलती है। ये भगवान फिर क्या बन गए, उनकी दरवान बन गई। दरवाजा में ठाकुर जी बैठे रहते, जब जाए दर्शन कर जब आए दर्शन दे। इतने में एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा नारायण है ही नहीं। नारद जी बोले नारायण कहाँ है। बोले पता नहीं कहीं गए अभी तक आए नहीं। बोले नारायण तो विदेश में अपना नौकरी ढूंढ लिया। बोले नौकरी ढूंढ लिया। बोले हाँ। बोले कहाँ पर। बोले बलि महाराज का दरबार में उन्होंने दरवान का नौकरी कर रहे हैं। अभी मैया लक्ष्मी नारायण को लेने के लिए आए, देखा नारायण बैठ करके जगते रहो। बोले प्रभु जी यही कसर में गई थी। बोले बात मत करो, अभी मैं ड्यूट में हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता। फिर बलि महाराज रोज दान देते हैं, माँ लक्ष्मी भी लाइन में खड़ी है। जब इनकी बारी आई बोले आप पहले संकल्प करो। बोले भैया पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरी कहां से आ गई। बोले संकल्प क्या जरूरत, मांगो ना। बोले नहीं बगैर संकल्प से मांगती नहीं। उन्होंने संकल्प की। बोले देखो मेरे घर में सब चीज है, लेकिन एक चीज की कमी है, मेरे कोई अच्छे दरबार नहीं। मैंने देखा आपका एक अच्छे दरबार है, ये दरबार को मेरे को दे दो। वो तो समझ गए ये कोई साधारण नहीं। बोले माता जी पहले बताओ आप है कौन। फिर वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। देखो बलि महाराज की भक्ति कितने बड़ी है, कितने बड़ी उनकी भक्ति। तब उन्होंने माँ लक्ष्मी को दान दे रही है। आप लोग लक्ष्मी को देखे हो, कौन कौन लक्ष्मी को देखो, देखना माँ लक्ष्मी ऐसे करके बैठी है। सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है। सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा नहीं होगा ना हम दरिद्र बन जाएंगे। सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी को दान कर रही है, दुनिया को जो देने वाली।
लेकिन दान क्या चीज दे रही है? छोटे मोटे चीज नहीं दे रही है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक को ठाकुर जी को उन्होंने लक्ष्मी को दान दिए है। मतलब भगवान बलि की इतने प्रेम में वशीभूत हो गए, ठाकुर जी को उन्होंने माँ लक्ष्मी को दान दिए। बोले प्रभु आपको तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, एक स्वरूप में रहो और दूसरे स्वरूप में जाओ। इसलिए भगवान को लक्ष्मी लेकर फिर वैकुंठ जाती है। अभी वामन देव आएंगे, आप सभी को पास में भिक्षा लेने जाएंगे। भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, बड़ा महत्व है। सुदामा दो मुठ चिड़वा दिया ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दिए। अभी ठाकुर जी स्वयं भीख मांगने के लिए आपको पास में आ रहे हैं, आप लोगों थोड़ा थोड़ा ठाकुर को भिक्षा देना, इनके देने का बड़ा पुण्य। उसको ले जाओ, छतरी छतरी लगा दो, उसको पकड़ कर ले जाओ, उसको मुझे पता नहीं, ले जाओ उसको। बोलो वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। उदिर द्वार खड़ा भगवान भगत Thank you.
एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। भैया कोई खड़े मत रहो, इसको तुम भी बैठो, कोई खड़े मत रहो, चुपचाप बैठ जाओ। बोले एक चंद्र वंश है, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आते हैं और सूर्य वंश में भगवान राम आए। बोले जब जब भी भगवान अनंत अवतार है, लेकिन ये दो वंश में जो दो ठाकुर जी आए, सबसे प्यारी मीठी इनकी कथा है। बोले ये दो वंश आए कैसे, इतनी बड़ी अद्भुत कथा है। बोले एक श्राद्ध देव नाम का एक राजा हुआ, घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं। उन्होंने वशिष्ठ जी को बोले, वशिष्ठ जी यज्ञ करवाए लेकिन राजा की इच्छा घर में बेटा है जो कि राज सिंहासन को संभाले। लेकिन पत्नी की इच्छा, रानी की इच्छा, घर में अगर बेटी आएगी फिर मैया को मदद करेगी। इतने में रानी जा करके जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण उनको कान से बोल दिए, बोले देखो अगर घर में बेटी हुई ना मुंह मार के दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मण लोग सोचे भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब, देखो पहले का साइंस कितना एडवांस था। पहले ऐसे मंत्र से यज्ञ करते थे, उसमें खीर बनाते थे, जिसको खिलाओ बेटा होगा। लेकिन ऐसे मंत्र पढ़ करके खीर बनाते थे जिसके खिलाने पर बेटी हो जाए। ब्राह्मण लोगों ने देखा भैया दक्षिणा मिलेगा, इसलिए हम तो मंत्र उन्होंने बेटा का नहीं बोल करके बेटी की मंत्र से खीर बनवाए। रानी खीर खिलाया तो बड़ी प्यारी सुंदरी एक एला नाम के जो बेटी हुई। इतने में राजा वशिष्ठ के पास में गए, बोले वशिष्ठ जी मैंने कहा घर में बेटा होनी चाहिए, ये बेटी कैसे हुई। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बोले भैया बेटा नहीं होकर बेटी कैसे हुई। बोले महाराज इसमें हमारी कोई दोष नहीं, दोष इन्हीं की है, इनकी घर में एक मत नहीं था। रानी हमें बताए अगर बेटी होगी मुंह माँ की दक्षिणा मिलेगी, हमने सोचा बढ़िया दक्षिणा से मतलब। वशिष्ठ जी ने कहा देख राजा अगर घर में कोई बेटी जन्म लेना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, लेकिन बेटा आए तो कोई नहीं कहता नारायण आया, कोई बोलता है। लेकिन बेटी आए तो क्या बोलते, घर में लक्ष्मी आई है। आप देखना जो कन्या दान को सबसे बड़ी दान मानी गई है, बड़ी दान मानी गई, और कन्या वालों का हाथ ऊंचा रहता है और वरों का पक्ष का हाथ नीचा रहता है। इसलिए बेटी बड़े भाग्य से घर में बेटी जन्म लेती है, चिंता क्यों कर तो माँ लक्ष्मी आई। बोले नहीं ये तो बात की बात, हमें तो बेटा चाहिए। देखो घर में बेटी हो बेटा हो प्रसन्न रहनी चाहिए, ऐसे नहीं बेटी आ गई तो नाना नानी की अवस्था खराब। सबसे पहले घर में बेटी कैसे आ गई, भाई भैया अगर बेटी नहीं होएगी ये दुनिया का सृष्टि होगी, जगत में भाई बंधु काका जो कुछ है किसकी वजह से है, वो बेटी की वजह से। अगर बेटी नहीं वो दुनिया रहेगा, इसलिए सलाह दुनिया कह रही ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए घर में जो कुछ आए ना प्रसन्न होकर के उनकी पालना करनी चाहिए। अगर पिता कहीं बाहर जाएगा ना, बेटा बोलेगा पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे, लेकिन बेटी क्या बोलेगी, बोले पिताजी कब आओगे, पिताजी कब आओगे। देखना बेटी ससुर घर चली गई लेकिन वहीं से खबर लेती रहती है मेरे पिताजी कैसे, मेरे माता जी कैसे। मैंने बहुत जगह पर देखा, बहुत सारी जगह पर देखा, घर में कोई बहू आ गई तो पिता माता बनादर कर देते हैं और लास्ट में वो जा करके वृद्धावस्था में बेटी को पास में जाकर सहारा देते हैं, लेकिन बेटी कभी नहीं त्याग देती है। मैंने बहुत सारी जगह पर देखा, इसलिए घर में बेटी हो बेटा हो है उसमें प्रसन्न हो करके दोनों को पालना करनी चाहिए, दोनों को ये बच्चे को बैठा हुआ। इसलिए प्रसन्न होकर के पालना करनी चाहिए। अभी देखो पहले साइंस कितना एडवांस था, ये वशिष्ठ जी इतने शक्तिमान इनके अंदर में, राजा जब जोर जबरदस्त किया हमें बेटा चाहिए, लेकिन उन्होंने बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, इसलिए उनका नाम हो गया सुदुम्ना।
जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो एक दिन किया हुआ ये सुदुम ना अपना सैन्य सामग्री लेकर जंगल में गया था घूमने के लिए। एक जंगल में प्रवेश करते जितने घोड़ा सब घोड़ी हो गए और जितने सैनिक लड़की हो गई और जो सुदुम्न था फिर उसने लड़की बन गई। सब अपनी आपको देखे तो बोले भैया ये क्या हो गया, हम लड़के से लड़की कैसे बन गए, राजकुमार राजकुमारी बन गई, अभी शर्मो कुमारी कोई आए नहीं रहे हैं। इतने में पता चला राजा को, फिर उन्होंने वशिष्ठ के पास में गए, बोले ऐसे कैसे हो गया, बोले वो जंगल था शंकर जी रहते थे वहां, एक दिन शंकर जी पार्वती से मिल रहे थे और चतुसर उनको दर्शन करने के लिए गए। इतने में शंकर पार्वती आपस में मिल रहे थे और चतुसन चले गए तो मैया पार्वती बड़ी लज्जित हो गई। शंकर जी को बोले ये कोई घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठाकर आ जाता है। फिर शंकर जी अभिशाप दिए, आज से ये जंगल में कोई भी पुरुष आएगा ना वो पुरुष नहीं रहेगा, वो सबके सब लड़की बन जाएगी। अभी इनको पता नहीं था लड़की बन गए। फिर शंकर जी को मनाए, शंकर जी बोले मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका ये एक महीना रहेगा राजकुमार और एक महीना रहेगी राजकुमारी, इतना कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं। जब उसने राजकुमार रहा, उसकी शादी हुई तो उससे जो संतान हुई उसी संतान से सूर्य वंश चला, जिस सूर्य वंश में भगवान राम आए। जब वो बेटी एला हुई, इसकी शादी बुद्ध को साथ में हुई, होने पर उससे जो संतान हुई उससे चंद्रवंश आया और चंद्रवंश से भगवान कृष्ण आते हैं। मतलब आश्चर्य की बात है, एक व्यक्ति से ही ये चंद्रवंश और सूर्य वंश चला और दोनों वंश में हमारे जो सनातन धर्म के जो सबसे अच्छे ठाकुर भगवान कृष्ण और भगवान राम, एक व्यक्ति से दोनों आए, प्रभु की अद्भुत लीला है। अभी कृष्ण कथा सुनाते हैं, बल जो कृष्ण कथा बड़ा मधुर है, इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी एक सुंदर अष्टक लिखते हैं जिसका नाम कहते मधुराष्टक। मधुराष्टक में वर्णना करते हैं भगवान का सभी मधुर है, उनकी चलना भी मधुर, उनकी बोलना भी मधुर, उनकी हंसना भी मधुर, बंसुरी बजाना भी मधुर, उनकी नजर भी मधुर, सब कुछ मधुर है। पूरा उन्होंने अष्टक लिखे है, वो अष्ट का जो पहला श्लोक है बोले अधरंग माधुर बगनंग माधुर हसितंग माधुर गमनंग माधुर अधरंग माधुर बगनंग माधुर नयनंग माधुर जब कृष्ण कथा सुनते हैं बोले कुर्बन अहित की भक्ति, इन्होंने सब कुछ छोड़ करके प्रभु के चरण में मतवाला बन जाते हैं। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं सबसे मीठा दवा है कृष्ण कथा सुनना। इसलिए परीक्षित महाराज को कुछ भी करना नहीं पड़ा, केवल कृष्ण कथा सुनते सुनते भवसागर से पार हो गए। बोले भगवान की कथा सबसे मधुर सबसे मीठा ठाकुर जी की कथा है, तो उन्हें ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं, अभी भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। बोले जिस समय कंस ने बड़ा उपद्रव मचाया, बोले मेरे देश में कोई प्रभु का नाम नहीं कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते हैं,
यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जितने गैया को मार डालो, जितने हरी हरी वृक्ष को काट डालो। बोले क्यों? बोले ये ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग देवताओं को आहुति देते हैं और देवता लोग खा खा कर मोटे बन रहे हैं और मेरे ऊपर भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए सबको खत्म कर दो। इतने में ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। दुखी हो करके ब्रह्मा जी के पास में गए, पर ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में, पर इंद्र को पास में, ये सारे देवता तीन समुद्र के पास में गए और भगवान को पुरुष सुप्त मंत्र से भगवान को उन्होंने प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, चिंता मत किया करो, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। हे देवताओं, जदुवंश में तुम लोग ग्रहण करो। हे देवियां, तुम लोग सबके सब गोप वंश में जन्म ग्रहण करो। उन्होंने सब कुछ बोल दिए। अभी एक दिन श्री कंस अपना बहन को, कंस को साथ में वसुदेव को साथ में शादी कराया। उनने बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दिया। जब उसको विदाई कर रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे बूढ़ा कंस, जिस देवक को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देवता का भाई कभी छुट्टी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने देवक की चोटी को पकड़ करके मारने जा रहा था। वसुदेव ने तरह तरह से साम दाम दंड भी नीति से उसको समझाने के लिए कोशिश किया। बोले देख कंस, तू एक दिन मरोगे नहीं। बोले हाँ मरूंगा। बोले जब एक दिन मरोगे, फिर बहन को क्यों मार कर मर रहे हो? दुनिया में तुम्हारी कितने बदनामी होगी जानते हो? ऐसे जीना मरना बराबर है। बोले मरूंगा जब इच्छा मरूंगा, लेकिन अभी क्यों मरूंगा? बोले देख, तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ। बोले मेरे जितने बच्चे होंगे ना, सब तेरे को मैं दे दूंगा, जिसको इच्छा तुम मार डालना, लेकिन तुम ये देवों की तुम मत मारो। बोले देख कंस, ये कौन मरता है? ये शरीर, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। ये आत्मा तो न जायते न मृयते अच्छो नित्य शाश्वत, ये आत्मा है। ये शरीर तो एक वस्त्र है, जैसे पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके एक नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह की जो आत्मा है, ये जलती नहीं, मरती नहीं, आग में पानी में भीगती नहीं, वायु से सूखती नहीं, आत्मा नित्य शाश्वत है। बोले कोई चिंता मत करो, सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, जो इच्छा मार डालना। अभी ठाकुर जी की इच्छा है। इतने में जब उन्होंने ये बात बोले ना, नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले भगवान कब आएंगे? भगवान कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भर जाएगी तभी ठाकुर जी आते हैं, जब पाप घड़ा भर जाएगा। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी प्रकट हो गए। बोले महाराज कंस, अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, मैंने देखा देवता लोगों को लेकर के ब्रह्मा जी एक मीटिंग कर रहे थे, उसका विषय वस्तु था कैसे तेरे को मारेंगे। देख बेटा, तुमने सारे बच्चों को छोड़ लो ना, जन्म लिया तो तुमने छोड़ दिया। देख बेटा, देवता का वाणी समझना बड़ा कठिन है। उन्होंने 8 पंखुड़िया की एक कमल फूल लाए थे। बोले बताओ तो इसमें एकमा कौन और आठवा कौन? बोले कैसे बताएंगे? बोले इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उधर से गिनो, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले आप क्या बताना क्या चाहते हो? बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम इधर से गिन रहे हो 1 2, अगर वो उल्टा से देवता लोग गिने तो जिसको एकमा कर रहे हो ना, वो आठवा हो जाएगा। जब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, सबके सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी फिर क्या करूं, सबको मार डालूं? बोले मैं क्या बताऊं, तू जानता, तेरे बाप जानता। उन्होंने भड़का दिया कंस को, और कंस तो उन्होंने एक एक करके उन्होंने 6 बच्चों को उन्होंने मार डाला। बोले भैया नारद जी ये सब गड़बड़ी क्यों की है? बोले नारद जी को इनके पूर्व जन्म की बात पता है, ये अभिशाप से ये जन्म हुए हैं, जितने जल्दी से जल्दी मरेंगे इनकी उतना जल्दी मुक्ति होगी। उन्होंने मरवाया नहीं, उनको मुक्ति करवाया। और दूसरी चीज है, भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ में कृष्ण आते हैं। बोले कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए? देखो ध्यान से सुनो,
आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। कृष्ण छठवां गर्भ में क्यों नहीं आए, कृष्ण सप्तम गर्भ में क्यों नहीं आए, कृष्ण आठवां गर्भ में कृष्ण क्यों आए, आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। मैं देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। कहते जैसे क्लास हुआ 2, 3, 4, 5 होती है, उसी तरह भक्ति का भी 8 स्टेजेस है, और 8 जो स्टेज है उसी में ही प्रेम। पहला भक्ति का जो सोपान है श्रद्धा। जैसे सभी के अंदर में श्रद्धा है तभी आप लोग यहाँ आकर के बैठेंगे, अगर श्रद्धा नहीं होता तो बैठते नहीं। इसलिए भक्ति का पहला जो स्टेज श्रद्धा, फिर दूसरा जो स्टेज बोले साधु संग, श्रद्धा है तब आकर के बैठे, फिर तो दूसरी जो स्टेज कथा सुनना, साधु संग करना, फिर भगवान की कथा सुन रहे, बोले तीसरा स्टेज क्या है, तीसरा स्टेज है कहते भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब है जब हम साधु संग करते हैं फिर हमें पता चलता है ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है। भगवान 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर दिया और इसी मानव शरीर में ही भगवान की भक्ति हो सकती, और किसी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये साधु संग से पता चलता है। इसलिए जो तीसरा जो स्टेज है यदि ये भजन क्रिया, फिर हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। कहते जो चौथा जो स्टेज है कहते अनर्थ निवृत्ति से आ, अनर्थ निवृत्ति मतलब है जब हम भक्ति करेंगे हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य ईर्ष्या द्वेष ये सबके सब धीरे धीरे नष्ट होगी। कहते ये चौथा स्टेज है। बोले पंचमा स्टेज क्या है, बोले रुचि। बोले रुचि मतलब क्या, बोले बढ़िया लगना, अच्छी लगना। जैसे घर में कोई बढ़िया सब्जी बनी हुई अगर एक बार दिए ना, बोले भैया सब्जी बहुत स्वाद है और थोड़ा दो और थोड़ा दो, उसी तरह जो पंचमा स्टेज है रुचि। रुचि मतलब अच्छी लगना। जैसे अभी किसको बोलो भैया एक माला करो, भगवान का माला करो, जब भजन करना तब मन ही नहीं लगता, उसको मन ही नहीं लगता है भजन करने में। बोले क्यों नहीं लगता, बोले हमारे हृदय में काम क्रोध अनर्थ है, द्वेष ईर्ष्या सब हृदय में, इसलिए प्रभु का भजन में हमारे मन नहीं लगती है। लेकिन नहीं लगे तो छोड़ दे उसको, पर भक्ति छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ना नहीं। उदाहरण दिया जैसे मिश्री है, आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए खाए, अब बताओ तो मिश्री जो खाते हो कैसे लगता है, मिश्री मिश्री कैसी लगती है, मीठी लगती है। आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो, लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़वी हुई लगती है, अब बोल सकते हो मिश्री किस को कड़वा लगता है, कौन बोलेगा हाथ उठा, जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, पीलिया की बीमारी हो जाए तब ये मिश्री उसको मीठा नहीं लगती, उसको कड़वी लगती है। क्यों, उसका जीवा होगी कड़ू, उसका जंडिस पीलिया की बीमारी, जब ये चीज को अच्छे तरह से समझो। कहते हमें प्रभु का भजन क्यों अच्छी नहीं लगती, प्रभु का नाम क्यों, कारण है अभी हमको बीमारी है, भव रोग है हमारे हृदय में, ये अनर्थ है अपराध, ये पाप की वजह से भगवान का नाम हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन सीरियल देखना 3-3 घंटा बैठ कर देखते हैं, जो गंदी चीज जिसमें कुछ नहीं झूठ है, एकदम झूठ मूठ चीज को एक रूपक बना दिया, आप फाड़ फाड़ करके 3-3 घंटा बैठ देते। लेकिन बोले तो भैया थोड़ा हरिनाम करो भजन करो, 5 मिनट मन नहीं लगता, कारण क्या, अंदर में हमारी सारी पाप बैठा हुआ है, इसलिए अच्छी नहीं लगती। फिर करनी क्या चाहिए, पहले डॉक्टर लोग, पहले इतना दवा नहीं होता था, डॉक्टर लोग बोलते थे देख बेटा ये मिश्री तो तुम्हें कड़ू ही लगी, तुम तो बीमारी, लेकिन ये छोड़ना नहीं, ये मिश्री को चूसते रहना, चूसते चूसते जितने परिमाण से तुम्हारी ये रोग खत्म होती जाएगी उतना परिमाण से तुमको ये मीठा लगने लग जाएगी। फिर बाद में इतने मीठा लगेगा ना, फिर ये मिश्री तरह से छूटेगी नहीं। क्या उसी तरह भगवान का जो नाम है वो मीठे से भी परम मीठे भगवान की नाम है, लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लगता है। फिर करनी क्या चाहिए, करनी चाहिए इच्छा नहीं करने पर भी बैठो, माला को लेकर बैठो, क्योंकि यही माला ही अंतिम में काम आएगा, और दुनिया में कोई काम है तुम्हारे आने वाले नहीं। पत्नी जाएगी तो रोग और दरवाजा तक जाएगी, आगे नहीं चलेगी, परिवार जाएगा तो शमशान तक चलेगा, आगे कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया।
इसलिए यहां पर समझा रहे हैं अच्छी नहीं लगन में बैठो, बैठ करके प्रभु का भजन में मन लगाओ, क्योंकि इसी से ही जीवन में सुख मिलेगा। दुनिया में विश्व ब्रह्मांड का सारे संपत्ति इकट करने पर भी इसमें शांति सुख नहीं मिलेगी, मिलेगी तो प्रभु का भजन से ही मिलेगी। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं बैठो, बैठ करके धीरे धीरे माला जप करते रहो, करते करते जितने परिमाण में तुम्हारी पाप खत्म होती जाएगी उतना परिमाण से प्रभु का नाम तुम्हें मीठी लगने लग जाएगी। फिर तो इतने मीठी लगेगी, इतने मीठी लगेगी, फिर तो नाम तुमसे छूटेगी नहीं। इसलिए कहते हैं रुचि, रुचि मतलब अच्छी लगना, उसको बाद में निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या, फिर इतने पक्की बन जाओगे। जैसे मीरा जब भजन की देखना, उसका पति भी विरोध हो गए, उसकी जेठ भी, उसकी ननद भी, उसकी सास, दुनिया से कुत्ता भी उसका पीछा नहीं हुआ। आप देखना भजन करो, सारा दुनिया तुम्हें पीछे लग जाएगी, क्या सब कट्टी माला तिलक लगा दिया, लेकिन शराब पियो ना, सिगरेट फूंक, वेरी गुड, बच्चा तो अरमान से हो रहा है, सिगरेट पी रहे ना, बीड़ी फूंक रहा है, शराब पी रहे, दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भजन करो सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, ये क्या तुमने कर दिया। बोले कोई उम्र है तेरे भजन करने का, लेकिन सिगरेट फूकने का उम्र है, शराब पीने का उम्र है, सब कुछ करने का उम्र, लेकिन भक्ति की कोई उम्र नहीं। इसलिए बोले निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है भले ही सारा दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन वो भजन नहीं छोड़ती, प्रभु की भक्ति नहीं, उसको निष्ठा कहते हैं। फिर आसक्ति, बोले आसक्ति व भाव, जब भाव अवस्था आती है फिर तो उसको प्रभु की थोड़ी थोड़ी झलक दर्शन करने को मिलती है, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी उनको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी चरण की नुपुर की छमछम छमछम आवाज आ रही है, कभी कभी ऐसे लगेगी मानो ठाकुर जी आए उसको स्पर्श करके गए उसकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी ऐसे लगेगा मानो ठाकुर जी आए और हमें अपना अधरा बनकर पिला कर गए, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर सामने प्रकट हो गए और इतने प्रकाश ठाकुर जी की आंख एकदम चकाचौंध आंख हो जाएगी। कहते ये भावावस्था है, ये सप्तम, कहते अष्टम स्टेज क्या है, ये साक्षात भगवत दर्शन, साक्षात रूप में ठाकुर जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में आए, कृष्ण अष्टम स्टेज में आए, कंस ने छह बच्चों को मारे, बोले भैया ये छह बच्चे कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, कहते ये छह बच्चे ये है। कंस मतलब क्या, बोले भय, कंस मतलब भय, इसलिए भय से क्या करो ये छह बच्चों को मारो। फिर सप्तम गर्भ में कहते श्री बलदेव प्रभु ये धाम स्वरूप में श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं, फिर अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण चंद्र आते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। अभी भगवान कृष्ण आने वाले हैं, जब भगवान कृष्ण आने वाले कंस देखने के लिए गया और उन्होंने देखा उजला उजला देवक के शरीर में ज्योति, वो देख करके समझ गया भैया मेरे काल आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई इसको मारने के लिए। अभी भगवान आने वाले सारे देवता लोग वहां पर प्रकट हुए, सब के सब गर्भस्तुति कर रहे थे, और विशेष करके भगवान आने वाले आप देखना आकाश में जब काला मेघ छा जाए, आकाश में जब काला मेघ छा जाती है विशेष करके चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, बोले ये काला मेघ कौन है, बोले कृष्ण। बोले चार व्यक्ति कौन कौन प्रसन्न होते हैं, बोले पहला नंबर किसान, क्योंकि किसान ने ये खेती लगाई, लेकिन राक्षस लोग दैत्य लोग आकर के बड़े उत्पात कर रहे थे, इसलिए लेकिन जब उन्होंने आकाश में काला मेघ को देखा संतुष्ट हो गया, बोले ये किसान कौन है, बोले ये पितामह ब्रह्मा जी जिसने ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि की। लेकिन जब कृष्ण आने वाले देखे ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, बोले दूसरे व्यक्ति संतुष्ट होता है, बोले कौन, बोले मोर। आप देखे होंगे मोर का वो नृत्य करता है, जिस समय आकाश में काला मेघ छा जाए बिजली चमकने लग जाए घड़े घड़े शब्द हो देखना मोर कभी थिरक थिरक कर मोर नृत्य करना शुरू करता है। कहते यहाँ मोर कौन है, बोले श्री भोले बाबा श्री शंकर जी। बोले तीसरा व्यक्ति संतुष्ट होता है, बोले चातक, ये एक चिड़िया होता है, ये किसी नदी का पानी नहीं पीता है,
किसी तालाब का पानी नहीं, वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए कहते भैया चाहते को कौन है, बोले नारद आदि भक्त वृंद। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है, बोले दावा नल में दक्ष हाथी। जब जंगल में आग लग जाए वो हाथी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो फायर ब्रिगेड में वो नहीं बुझती है जंगल की आग, लेकिन जब जोर से बारिश होना तभी अपने आप की आग बुझ जाती है। कहते भैया दावा नल में दक्ष हाथी कौन है, बोले ये इंद्र चंद्र वायु वरुण आदि देवता। सारे देवता लोग देखा जब कृष्ण रूप मेघ छा गया, भगवान जन्म लेंगे, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो भगवान आ रहे हैं, लेकिन आपका मन में क्या आनंद नहीं आ रहा है, कोई जयकार नहीं दे रहा, जोर से जयकार बोलो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भगवान आने वाले, अभी जो यमुना नदी है ना वो बड़े कलकल नाद से बह रही थी और कृष्ण की जय जयकार कर रही थी। बोले क्यों, क्योंकि यमुना में कृष्ण जल विहार करेंगे। जब ये वृंदावन में यमुना हो कभी ये विशाखा है, यही यमुना जब मथुरा में जाती है ये काली है। कभी दूसरे जितने नदी वो भी प्रसन्न हो रहे थे। बोले क्यों, क्योंकि यमुना सबसे बड़ी बहन और जितने छोटी छोटी नदियां उनकी छोटी बहनी है, ये बड़ी बहन श्री यमुना। बोले छोटी छोटी नदियां क्यों प्रसन्न हो रही थी, बोले कृष्ण की शादी होगी यमुना में, हम उनकी छोटी बहन बनेगी, इसलिए कृष्ण की हम साली लगेंगे। इसलिए देखना कभी कभी जो दामाद अपना पत्नी से सालियों को भी ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए बोले हम जब साली बनेंगे कृष्ण हमें भी प्रेम करेंगे। ये कमल फूल खिलता है तिल में, लेकिन ये कमल फूल खिल गई रात में। बोले रात में क्यों खिल गई, बोले संत लोग जब भगवान की अंगों को वर्णना करेंगे मेरे साथ में उदाहरण देंगे, जैसे नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, कमल कमल को साथ में, इसलिए प्रसन्न हो रही थी। कृष्ण आए अष्टमी रात में, अष्टमी रात का जो चंद्रमा आधी होती है, लेकिन आज कृष्ण आएंगे चंद्रवंश में, चंद्रमा पूर्ण रूप में चंद्रमा प्रकट हो गए, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। उसी समय में भगवान कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। चलो सारे देवता लोग भगवान को स्वागत कर रहे हैं, हम भी भगवान को स्वागत करेंगे। हाँ भगवान को ले आओ भैया, हरे कृष्ण को नहीं यहाँ पर ले आओ, ठाकुर को लेकर आ जा। बोले सो स्वागतम कृष्ण, सब लोग ताली बजाते हुए स्वागतम स्वागतम Oh,
आ रहे हैं, लेकिन ये अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लेते हैं? देखो ये एक ग्रंथ है, हमारे जो बड़े गुरु जी ने ये ग्रंथ को निकाले और अद्भुत ग्रंथ है, इसमें 13 कारण बताए कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लेते हैं। आपको कहाँ पर रोहिणी जी कहाँ पर ग्रंथ है? तुम्हारे पास में एक ही है और ग्रंथ नहीं। अगर जिनकी इच्छा, हाँ जिनकी इच्छा हो ना, कल आप लोग ग्रंथ को ले सकते हैं। इसलिए प्रभु जी को पास में अगर जो लेना है प्रभु जी को पास में ले सकते हो। फिर कल से नवीन प्रभु जी लाएंगे, जिनकी इच्छा और जिनकी गिरिराज नाम लिखा मिल जाना। अभी प्रभु जी बधाई गाएंगे। देखो ठाकुर जी जन्म हुए ना, कि भगवान की जन्म उत्सव में एक बार जो नाच लेगा ना, फिर उसको 84 लाख जन्म में कभी नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज सबके सब प्रसन्न होकर के प्रभु की जन्मोत्सव में नृत्य करना। रवि प्रभु आज प्रसाद किसने दिया है? प्रसाद इसकी बोलो नाम क्या? प्रभा माता जी, आशा आशा माता जी, आज इन दोनों ने ठाकुर जी की भगवान की जन्म उत्सव में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की, इसलिए आप लोग इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ठाकुर जी शांति सुखिए संसार में और ये स्थल पे मिलकर है। वृंदावन बिहार लाल की, अरे कृष्ण कन्हैया लाल की, अरे जय करो तो जोर से लगाओ, कम से कम पास में गली तक सुनाई पड़े। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री लाल एक कप लिया, ये सामने बांट रखे उस चलो नंद के देखिए, आज के दिन में जो नाच लेता है कृष्ण जन्म में, तो उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए सभी लोग खड़े हो जाओ, नाचे Yeah।
Yeah.
कभी जल्दी क्या पहरा दियो हे 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 अंत भयो I'm gonna make you mine.